चलो फाइनली वी आर लाइव नाउ आउट ऑफ सो मच स्ट्रगल हेलो एवरी वन ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा वेट किया बच्चों ने चलो मैं सबको एक बार लिंक शेयर कर देती हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इट्स स्टिल गुड मॉर्निंग अभी तक आफ्टरनून हुआ नहीं है देखो नेट का ना टेक्नोलॉजी है इंटरनेट आ सकता है जा सकता है इसमें आपको डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सेशन बोला है होगा तो डेफिनेटली होगा यस yes? तो डीमोटिवेट नहीं होना ऐसे छोटे छोटे बातों पे अगर तुम लोग डीमोटिवेट होते रहे तो फिर बड़े बड़े इंजीनियर फार्मासिस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट कैसे बनोगे यार यस गुड मॉर्निंग एवरीबडी चलो चलो फुल फुल एकदम फुल जोश के साथ वी हैव टू स्टार्ट द सेशन सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इट इज अ वेरी अटेजर यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज वाला है इसीलिए इस चैप्टर को जरा भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है और यह चैप्टर एकदम स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका सिर्फ क्विक रिविजन हम करेंगे ठीक है मतलब ऑब्वियसली थोड़ा डिटेल में करेंगे ताकि जो बच्चे बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं कर रहे थे उनका भी थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा मैं फटाक से इसका बोर्ड्स का वेटेज बता देती हूँ कितना है चलो आप लोग बताओ चैट बॉक्स में इसका बोर्ड्स का वेटेज कितना है अप्रोक्सिमेटली सिक्स टू सेवन मार्क्स पर आठ मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और सी में भी इसका वेटेज अप्रोक्सिमेटली सेवन मार्क्स तक जाता है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर को अगर आपने ऑप्शन में रखा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है इसीलिए इस चैप्टर को ऑप्शन में नहीं रखना है ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टार्ट करते हैं बस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि हम एम एस टी सी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छा लेकर आने वाले हैं तो प्लीज़ पेशेंस रखो और मंडे तक का वेट करो मंडे ट्यूसडे को आपके लिए एम एस टी का बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ आने वाला है ताकि एम एस टी में भी आप बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें और ये एम एस टी उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी करना चाहते हैं और जो फार्मा डी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एम एस टी का कोर्स बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगा ठीक है तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस जैसे ही हमारा सरप्राइज आपके लिए आ जाएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा ठीक है एंड आई होप्स अपने ऐप डाउनलोड करके चैप्टर वन का नोट्स ले लिया है ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री मटेरियल में चैप्टर वाइज वन शॉट के नोट्स मिलेंगे ले तो चैप्टर वन का वन शॉट कर लिया था तो उसके नोट्स ऐप पे है अब ये चैप्टर टू के नोट्स जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा तो ये भी ऐप पे चले जाएंगे ठीक है और एक चीज कल आपका कोई भी लाइव लेक्चर नहीं है कल संडे है तो कल हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है इसीलिए कल लाइव लेक्चर नहीं है डायरेक्ट मंडे को आफ्टरनून या इवनिंग में होगा मंडे को मॉर्निंग में लाइव लेक्चर नहीं होगा मंडे को आफ्टरनून या इवनिंग में आपका लाइव लेक्चर होगा चैप्टर नंबर का जो आपका लेक्चर वाइज है वो हमने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल के रखा है तो कम्युनिटी पोस्ट के हिसाब से हम वेटेज के हिसाब से आपका चैप्टर्स कवर करेंगे ठीक है चलो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो स्पैम करके भी कुछ नहीं होने वाला है ना बेटा ठीक है चलो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अभी अगर पढ़ाई करेंगे तो भी अच्छे से हो जाएगा ठीक है टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर हम आए हैं आपका लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली अच्छे से ही लेक्चर होगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम अभी देखो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना वो बहुत सारा आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है व्हाट इज रिप्रोडक्शन व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देर तो ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है सो एनलिस्ट द वेरियस लाइफ प्रोसेस अब ये दसवीं का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा था ना नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड में तो ये उसका क्वेश्चन है कि अलग अलग लाइफ प्रोसेस कौन से होते हैं तो यहाँ पे आ सकता है डाइजेशन सर्क्यूलेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन तो इसमें से जो रिप्रोडक्शन है दिस रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज मतलब अगर पॉपुलेशन आगे कंटिन्यूसली बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है वट आर दी कॉमन मेथड्रोडक्शन और टाइप का अक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग देखो ये सब आपने दसवीं में पढ़ा है ठीक है वट आर दी डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अभी देखो टेक्स्ट बुक भी कैन यू रिकॉल के बॉक्सेस होते यू नो you know? के बॉक्सेस होते ऑलवेज रिमेंबर के बॉक्सेस होते या आपको कंपल्सरी रीड करना होता है क्योंकि इसमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स हैं तर जी मुलं बोलतात ना मॅम वन मार्क्सचे क्वेश्चन बाहेरून आलेले टू मार्क्सचे क्वेश्चन बाहेरून आलेले अरे ते काय जगातल्या बाहेरून नसतात ते तुमच्या पुस्तकातलेच असतात फक्त ते जे कलरफुल बॉक्सेस आहेत त्यातून येतात ठीक आहे ओके चलो येस ओके आगे बढ़ते हैं तो देखो आ, नहीं यहाँ पे क्या आएगा अपना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स गलती से ये सेम चीज इधर पे आ गई है इधर पे आएगा reproduction in animals. ठीक है सेम डेफिनेशन है ना तो मैंने वही चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट की बस मेरा ध्यान नहीं गया तो यहाँ पे क्या आएगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम एनिमल्स की जब बात करते हैं तो वॉट इज रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस सेम स्पीशीज मतलब आपको ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको सेम टाइम के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है एक होता है सेक्सुअल एक होता है असेक्सुअल तो पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गेम्यूअल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आपको पता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ जिससे आपका स्पीशीज सरवाइव करेगा और आगे आपके आपको कंटिन्यूटी मिलती रहेगी ठीक है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखें सेम पैराग्राफ चैप्टर वन में भी था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो भी बच्चे मिलते हैं उन बच्चों को हम क्लोन्स बोलते हैं क्योंकि समझो ये आपका अमीबा है ये अमीबा जब डिवाइड होगा और आपको दो डॉटर सेल देगा तो डॉटर सेल विल बी इक्वल टू तो योर मदर सेल दे विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू योर मदर सेल तो इसको बोलेंगे क्लोन्स इनको क्या बोलेंगे हम क्लोन्स और गेम्यूअल फॉर्मेशन क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको वॉट इज गेम्यूल फॉर्मेशन पहले इधर देखो सबसे पहले गेम्यूअल फॉर्मेशन ही पड़ने वाले हैं अनफेवरेबल कंडीशन में जो अपने स्पॉन्जेस होते हैं इधर देखो एक्वेटिक स्पॉन्जेस या अपने जो एक्वेटिक स्पॉन्जेस होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन मन जे प्रॉपर लाइट नहीं रहती है प्रॉपर पानी नहीं रहता है प्रॉपर टेम्परेचर नहीं रहता है तो जब ऐसा टेम्परेचर या लाइट का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है वेन देट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पॉन्जेस क्या करते हैं ये अपने अंदर छोटे छोटे बर्ड्स बना लेते हैं वो छोटे छोटे बर्ड्स को हम बोलते हैं गेम्यूल ये देखो स्पॉन्जेस की बॉडी में आपको ऐसे बहुत सारे गेम्यूल्स दिखाई देते हैं ये जो गेम्यूल्स है इसके अंदर ये जो छोटे 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 सेल्स है ये अपने बेबी स्पॉन्जेस हैं क्या है ये अपने बेबी स्पॉन्जेस जब फेवरेबल कंडीशन आएगी जब टेम्परेचर अच्छा होएगा जब क्लाइमेट अच्छा हो जाएगा तो ये जो गेम्यूल है देखो जब वाटर का टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा जब अः क्लाइमेट अच्छा हो जाएगा तो ये गेम्यूल्स फट जाएंगे मतलब आपको अंदर ये जो मटके जैसा दिखाई दे रहा है ना ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और इसमें से थाउजेंड्स ऑफ आर्थियोसाइड इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे मतलब समझो इसमें से कुछ आर्कियोसाइट्स ऐसे स्प्रेड हो गए अब यही आर्कियोसाइट्स डेवलप होंगे और स्पॉन्ज बनाएंगे तो गेम्यून फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है स्पॉन्जेस अपना सबसे पहला फाइलम का एग्जाम्पल है दैट इज पॉरीथेरा तो इट इज द प्रिमेटिव फाइलम एनिमल किंगडम एनिमिलिया में ग्यारहवीं में आपने ग्यारह फाइलम पढ़े थे पी सी सी पी ट्रिपल ए एम ई एच सी पॉरीफेरा नाइडेरिया टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंटर्स एसकेलमिंत एनालीडा आर्थ्रोपोडा मोल्यूस का एकाइनोडरमाटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा मोल्यूस का एकाइनोडरमाटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डोडेटा तो ऐसे आपने ग्यारह फाइलम पढ़े थे अभी वो 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 ग्यारह फाइलम में से सबसे पहला फाइलम था पॉरीफेरा तो पॉरीफेरा अनडेवलप्ड एनिमल है इसीलिए उसमें कैसे टाइप का रिपोर्डक्शन देखने को मिलता है गेम्यूल फॉर्मेशन का कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन देखने मिलता है गेम्यूल फॉर्मेशन चलो ओके तो दिस इज हाउ योर गेम्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अंदर के जो गेम्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्क्योसाइड्स और इनकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर कार्टेज ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मोनेक्सन पिक्यूल्स नेक्स्ट आता है हाइड्रा आता हाथ खूब 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 वे रिपीट है ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था फिर से सेम चीज बता रही हूँ हाइड्रा में क्या होता है आपका जो अडल्ट हाइड्रा रहता है उस हाइड्रा में बर्ड फॉर्मेशन होता है और बर्ड जब मेच्योर हो जाता है तो वो डिटैच होके सबस्ट्रेटम में अपना बेस बना लेता है ये देखो ये बर्ड है ये बर्ड डेवलप होगा जैसे ये डेवलप हो जाएगा हेवी हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके ये एक अडल्ट हाइड्रा बन जाएगा सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बर्डिंग कल के सेशन में हमने ईस्ट का एग्जाम्पल भी देखा था हाइड्रा का भी देखा था ईस्ट का एग्जाम्पल प्लांट्स के केस में आएगा हाइड्रा का एग्जाम्पल एनिमल्स के केस में आएगा ठीक है नेक्स्ट आता है रीजनरेशन अब ये रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से बोर्ड्स में आपको सिर्फ एग्जाम्पल आता है रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया देखो इसमें एक वर्म को अगर आपने कट किया ध्यान से देखो इसका भी सिर्फ एग्जाम्पल आएगा हाइड्रा बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा और इसका भी सिर्फ एग्जाम्पल आएगा स्पॉन्जेस में गेम्यूल फॉर्मेशन होता है तो बच्चे जो पूछेंगे मैम है, है? Okay, तो कट, कट कर दो तो क्या होगा देखो ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और सारे पार्ट्स इंडिविजुअल प्लेनेरिया बन जाएंगे मतलब एक प्लेनेरिया को अगर आप कट करोगे तो आपको दो बेबी प्लेनेरिया मिलेगा तो इसमें ये रिप्रोडक्शन नहीं है ये रीजनरेशन है मतलब इसमें जो सेल्स गायब हो जाते हैं वो सेल्स रिपेयर होके रीजनरेट हो जाते हैं so मतलब है और स्टारफिश में भी देखने को मिलता है देखो कैसे नया प्लेनेरिया बन गया और ऐसे जितने टुकड़े आपने किए थे चार टुकड़े किए थे तो आपको चार बेबी प्लेनेरिया देखने को मिलेंगे See, इनकी टेल वगैरह सब फॉर्म हो रही है ऐसे so, करके आपको वापिस से आपके चार प्लेन एरिया मिल जाएंगे आपने एक प्लेन एरिया के चार टुकड़े किए थे ना तो आपको चार प्लेन एरिया मिल जाएंगे दिस इज हाउ रीजनरेशन टेक्स प्लेस दिस इज फॉर प्लेन एरिया दिस इज फॉर हाइड्रा एंड दिस इज फॉर स्टार फिश यस एवरीबडी इज दिस क्लियर ठीक है ओके okay. मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो करके आप पास हो सकते हो सेवेंटी परसेंट नहीं आ सकता है क्योंकि उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करनी पड़ेगी और मैं पेपर सेटर नहीं हूँ तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिए वही क्वेश्चन आएंगे क्या एग्ज़ाम में इसकी कोई गारंटी नहीं है पर नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है तो मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो करके आप पास हो जाओगे आप सेवेंटी परसेंट ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा ठीक है ओके हाँ ये मरता कैसे है प्लेनेरिया डिहाइड्रेशन से अर्थवर्म कैसे मरता है रीजनरेशन आपको अर्थवम में भी देखने को मिलता है अर्थवम को अपन कैसे मारते हैं उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं या सॉल्ट डाल देते हैं जिसके वजह से उसकी बॉडी का जितना भी फ्लूड है वो बाहर आ जाता है एग्जोस्ट मोसिस करके तो अगर प्लेनेरिया को मारना है तो इसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा डिहाइड्रेट यानी कि इसको या तो सॉल्ट वाटर में डुबा दो या तो इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाल दो क्योंकि उसके वजह से उसकी बॉडी में एक्सोस्मोसिस होगा उसका बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा और वो डिहाइड्रेशन के वजह से मर जाएगा इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस? हाँ मैंने वही बोला ना हर टाइप का रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है छिपकली की पूछ जब कट जाती है तो सिर्फ उसकी पूछ से नया टेल बनता मतलब उसकी पूछ से नई छिपकली नहीं आती है पर जिस छिपकली की पूछ कट गई है उस छिपकली की पूछ रीजनरेट हो जाती है अरे ये तो वही एग्जाम्पल हो गया ना आपका स्किन कट गया तो आपका जो कटा हुआ स्किन है इससे नया ह्यूमन थोड़ी बनेगा आपका जिधर पे स्किन कटा उधर पे न्यू स्किन आएगा तो ये भी एक टाइप का रीजनरेशन है इसीलिए रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन से कंफ्यूज मत करो ठीक है ओके मेरा वॉल्यूम इतना ही है तो आप लोगों को अपना ईयरफोन लगा के लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है गाड़ी वाड़ी चलती रहती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कान दुखेंगे इसीलिए मैंने नॉइस कैंसिलेशन किया है जिसकी वजह से आपको बाहर का वॉल्यूम कम सुनाई देगा तो मेरा वॉल्यूम भी थोड़ा कम सुनाई देगा ठीक है मैंने वॉल्यूम इधर से फुल पे रखा है तो आपको ईयरफोन्स लगा के सुनने हैं ओके चलो ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में हमको तो हम मतलब मतलब दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है फ्यूजन कि मैरिज तो जब दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसके वजह से अपने को जो मिलता है, उस को हम बोलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको तीन फेजेस देखने को मिलते हैं पहला होता है जुविनाइल फेज जिसमें हमको सिर्फ फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलती है ओनली फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है सेक्सुअल ग्रोथ होती है यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और ग्रोथ सेकेंडरी सेक्स सेल्स मतलब आपके स्पर्म और ओवा फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं और सेकेंडरी कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट होती है जैसे लड़कों को दाढ़ी स्टार्ट हो जाती है और सेनेसेंस क्या होता है दिस इज योर एजिंग मतलब आपका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी धीरे धीरे करके कम होते जाता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो ये तीन फेजेस में देखने को मिलता है जुविनाइल फेज मतलब कौन सा एज जीरो से लेकर ट्वेल्व ईयर्स अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं रिप्रोडक्टिव फेज मतलब थर्टीन से लेके फोर्टी फाइव ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल्स अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ मेल्स के स्पर्म कंटिन्यूस बनते रहते हैं तो मेल्स अपनी डेथ तक स्पर्म बना सकते हैं उनका कोई एंड फेज नहीं होता है बट फीमेल का मेन्स्ट्रल साइकिल स्टॉप हो जाता है फोर्टी फाइव फिफ्टी ईयर्स के बाद तो इसीलिए फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव फेज सिर्फ फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स तक रहता है और एजिंग मतलब क्या होता है जब आपका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी स्लो हो जाता है ठीक है अभी सेम चीज इधर पे भी है रिप्रोडक्शन करने के लिए तीन स्टेजेस करने पड़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो हमने कल पढ़ा था और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ जायगोट अभी देखो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स सीजनल ब्रीडर कौन होते हैं जो एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं स्पेसिफिक सीजन में मेटिंग करते हैं जैसे अगर हम मासा की बात करें फिश की बात करें तो ज़्यादा करके वो मानसून सीजन में मेटिंग करती हैं तो उनका सीजन फिक्स है ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे गोट शीप डोंकी लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं जो किसी भी मौसम में कहीं पे भी मतलब uh, किसी भी कंडीशन uh, में दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दैट इज ह्यूमंस एंड एक्स दे आर कंटिन्यूस ब्रीडर लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन सीई में आया था सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये सीईटी में ये दो चीजें आई थी कंटिन्यूस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर ठीक है चलो यस yes. डन चलो ओके okay. आगे बढ़ते हैं और राइट right. तो देखो रिप्रोडक्शन करने के लिए तीन स्टेजेस होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में पहले आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा अभी गैमेट बनाने के बाद जैसे कल मैंने बोला था कि गैमेट बनने के बाद तपस्या करने से बच्चे नहीं होते हैं गैमेट करने के बाद उस गैमेट को ट्रांसफर करना पड़ता है प्लांट्स में जब हम गैमेट ट्रांसफर करते हैं तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं ह्यूमंस में जब हम गैमेट ट्रांसफर करते हैं तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं तो पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन होता है एक बार आपने गैमेट ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद होगा आपका सेकेंड स्टेप फर्टिलाइजेशन और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम जायगोट का डेवलपमेंट उसका इम्प्लांटेशन उसका जेस्टेशन और उसका पार्चुलेशन देखेंगे सब बच्चों को ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ये तो भी इजी है पर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है इसीलिए चैट बॉक्स में टाइम पास मत करना और जब मैं पढ़ाऊंगी तो ध्यान से सुनना ठीक है ओके okay. तो अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब आपका रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है सेकेंड फेज ये देखो इधर पे अपन ने पढ़ा ना तीन फेजेज होते हैं तो हम इस फेज की बात कर रहे हैं जब ह्यूमंस का सेकेंडरी फेज चालू होता है मतलब रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है तो हमको उनके अंदर बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं या इसको हम सेक्सुअल डाय कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं डाय मतलब टू और मॉर्फिक मतलब क्या होता है मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स तो हमको दो अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं मेल्स के केस में क्या होता है जब मेल्स अडल्ट हो जाते हैं जब उनका बॉडी डेवलप होने लग जाता है जब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं तो उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा फट जाता है उनका गला फट जाता है बट फीमेल्स के, के केस में क्या होता है उनकी वॉइस की पिच काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है तो मेल्स के, के केस में उनकी वॉइस लो हो जाती है फीमेल्स के केस में वॉइस की पिच हाई हो जाती है मेल्स के केस में मेल्स को मुंह पे चेस्ट पे अंडर आर्म्स पेल्विक रीजन में हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स के केस में क्या होता है उनका चेस्ट का ग्रोथ होता है उनके निपल्स एनलार्ज हो जाते हैं क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड का पार्ट है फीमेल्स के केस में भी क्या होता है अंडर आर्म्स और पेल्विक एरिया में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है मेल्स के बारहवीं में जाते हो तो सबको नया नया शौक चढ़ता है yeah. मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगा तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मस्क्यूलर डेवलपमेंट फीमेल्स केस में क्या होता है उनका हिप ब्रॉड हो जाता है वो एनिमल मूवी में दिखाया था ना रणवीर सिंह बोलता है हीरोइन को कि तुम्हारी तुम्हारा पेल्विस काफी ज्यादा बड़ा है तो तुम हेल्दी बेबीज पैदा करोगे उसका मतलब ये है कि तुम सेक्सुअली मेच्योर हो गई हो सो यू हैव अ ब्रॉड पेल्विस एंड यू कैन स्टोर अ गुड हेल्दी चाइल्ड आपका जितना मोटा यूटरस रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा बेबी अंदर स्टोर हो सकता है ठीक है देन पीनस बिकम्स लार्जर ओके बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है सेक्शुअल हॉर्मोन्स बनना चालू हो जाते हैं तो आपका पीनस भी एक्टिवेट हो जाता है फीमेल्स के केस में क्या होता है उनका यूटरस एंड उनका वजाइना बिकम्स लार्जर मतलब एक्चुअली यूटरस की साइज बढ़ जाती है वजाइना में कुछ चेंजेस नहीं होते ज्यादा टेस्टिस इधर पे ये स्पेलिंग रॉन्ग है टेस्टिस स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है ओवरी स्टार्ट टू प्रोड्यूस एग एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के केस में तो ये मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सबको कंपलसरी याद रखने इज दिस क्लियर एवरीबॉडी ओके चलो आगे बढ़े एक्सरसाइज करने से पास हो जाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ऑल राइट right. इसका आंसर बता दो तब तक मैं जरा चैट बॉक्स देख लू किसको किसको रिमूव करना है हाँ एक्सरसाइज करने से पास हो सकते हैं अगर आप हर चैप्टर का सिर्फ एक्सरसाइज कर लोगे तो भी आप फिफ्टी परसेंट मार्क्स ला पास हो जाओगे चलो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर चूज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल तो फीमेल्स में पिच का वॉइस ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपना अच्छा एके एम सी क्यू था ओके तो नेक्स्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम समझने जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं प्राइमरी से, से, सेक्स ऑर्गन एंड और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है जिसमें गैमेट बनते हैं अभी ध्यान से सुनो सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं और जेनाइटल ऑर्गन किसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन यानी कि गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है बच्चों गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन और जेनाइटल ऑर्गन मतलब क्या होता है कॉप्यूलेटरी ऑर्गन कॉप्युलेटरी या इनसेमिनेटिंग ऑर्गन तो अगर हम मेल्स के केस में बात करें तो मेल्स का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल्स के केस में टेस्टिस और फीमेल्स के केस में इट ओवरी क्योंकि टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म और ओवरी में बनते हैं एग या जिसको हम बोलते हैं ओबम और अगर हम जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो मेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है पीनस या पेनिस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको और फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है वजाइना जो पॉपुलेशन करने में और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में या फिर इनसेमिनेशन करने में हेल्प करता है ठीक है ओके ऑलरेडी एवरीबडी ठीक है तो देखो जब हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो चीजें पढ़नी होती है सबसे पहले तो टेस्टिस के बारे में पढ़ना होता है और फिर एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना होता है एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना होता है तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखें दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम या तो सीई टी में या तो बोर्ड्स में आता है इसका लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो देखो इधर पे आपको इधर लेबल्स सारे दिए हुए हैं तो इसके हिसाब से आप अपना डायग्राम लेबल कर सकते हो टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं सिंस दिस इज वन शॉर्ट लेक्चर तो वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो देखो टेस्टिस के पाँच पॉइंट्स आपको याद रख रहे हैं ये पाँच पॉइंट्स को भी आप अगर याद कर लो तो आप आराम से तीन मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हो सबसे पहली बात टेस्टिस कौन से जर्म लेअर से बनता है तो अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो टेस्टिस मीसोडर्म से बना है किससे बना है मीसोडर्म से बना है फिर दूसरी बात अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात करें तो जब आपका बच्चा छोटा रहता है ये देखो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो जब अपना फीटस जब अपना फीटस थ्री मंथ से छोटा होता है ठीक है थ्री मंथ से छोटा होता है तो उसका टेस्टिस उसके एबडोमिन में डेवलप होता है किधर डेवलप होता है उसके एबडोमिन में आफ्टर थ्री मंथ्स आफ्टर थ्री मंथ्स ये टेस्टिस एबडोमिन से नीचे आके स्क्रोटम में आ जाता है ठीक है आफ्टर थ्री मंथ्स जैसे आपका फीटस बड़ा होगा तो टेस्टिस नीचे आ जाता है टेस्टिस किधर आ जाता है नीचे आ जाता है इसीलिए जब सोनोग्राफी करने जाते हैं तो तीन महीने के बाद ही पता चलता है बच्चा मेल है कि फीमेल है कभी कभी अगर टेस्टिस बाहर नहीं आया अगर आपका ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया तो सोलोग्राफी में ऐसा दिखेगा कि ये बच्चा फीमेल है पर जब वो पैदा होगा तो वो मेल बच्चा पैदा होगा तो कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में लेट नीचे आता है या कभी कभी अगर टेस्टिस नीचे आया ही नहीं तो उसके वजह से मेल्स को एक डिसऑर्डर हो जाता है दैट इज क्रिप्टोरकिडिज्म क्रिप्टॉरिडिज्म मतलब क्या होता है आपका टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आया ही नहीं वो एबडामिन में ही रह गया एबडोमिन में ही अगर टेस्टिस रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा क्योंकि एबडोमिन का टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू डिग्री सेल्सियस और स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस स्पर्म बनाने के लिए ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए इस टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन सकते हैं. तो इसीलिए इस मेल को स्टराइल मेल बोलेंगे क्योंकि इनके इनका टेस्टिस जो है वो एबडोमिन से स्क्रोटम में आया ही नहीं है ट्रांसजेंडर्स केस में ऐसा नहीं होता है आप चैप्टर नंबर थ्री पढ़ोगे ट्रांसजेंडर्स के केस में क्या होता है कि उनके बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से उनके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स बनते हैं ट्रांसजेंडर्स के केस में क्या होता है कि या तो फिर उनके पास सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होता है या तो सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है लेकिन हार्मोन्स इंबैलेंस होने की वजह से उनकी बॉडी में पूरा केमिकल इंबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से ना वो ठीक से मेल कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर पाते हैं ना ठीक से फीमेल कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर पाते हैं और करोड़ों केसेस में ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल के पास दोनों सेक्स और दोनों बट वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केस होता है ऐसे बाकी सारे ट्रांसजेंडर्स में नहीं होता है ठीक है clear, okay. आगे बढ़ते हैं हाँ ओके okay. चलो तो टेस्टिस इज मिसोडर इन ओरिजिन टेस्टिस डेवलप होता है आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया है कि जब अपना थ्री का होता है तो उसका टेस्टिस का में होता है But after three months, ये ब्लैक कलर से लिखती हूँ ये टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है स्क्रोटम में कैसे आता है विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल ये देखो इधर पे एक छोटा सा रास्ता होता है जिधर से आपका टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आता है तो उस छोटे से रास्ते को इंग्विनल कैनाल बोलते हैं और इंग्विनल कैनाल में भी टेस्टिस को अगर नीचे लाना है जैसे समझो ये टेस्टिस है अगर इस टेस्टिस को मुझे नीचे लेके आना है तो ऊपर एक रस्सी से इसको हम बांधेंगे वो जो रस्सी होती है उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको ये देखो ये जो ऊपर रस्सी है इस रस्सी को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड ठीक है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से आपका टेस्टिस एप्डोमिन से स्क्रोटम में आ जाता है ठीक है और अगर टेस्टिस नीचे नहीं आया तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोर तो इतने सारे पार्ट्स में आपको सिर्फ यही याद रखना है ये पांच चीजें याद रखनी है अबाउट टेस्टिस ठीक है ओके अब आगे अगर देखा जाए तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के लिए मैंने ये बनाया ये आपको नोट्स में मिल जाएगा तो फटाक से फ्लो चार्ट देख लेते हैं हाँ ओके सो फटाक हाँ। से फ्लो चार्ट देखते हैं अभी फ्लो चार्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा रुको व्हाइट कलर का अभी फ्लोचार्ट में हमको क्या देखने मिल रहा है जब आप टेस्टिस को कट करते हो ये देखो जब आप टेस्टिस को उसका सेक्शन कट करते हो डायग्राम देखो एक सेकंड हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में एलएस ऑफ टेस्टिस एलएस ऑफ टेस्टिस में लेटरल सेक्शन अगर हम टेस्टिस को साइड से कट करें तो हमको क्या-क्या चीजें देखने को मिलेंगी जब आप टेस्टिस को साइड से कट करोगे तो सबसे पहले आपको उसके बाहर लेयर्स देखने को मिलेंगे ये देखो ये अपने टेस्टिस के आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजीनालिस और ये इनर लेयर है ट्यूनिका एल्बुजीनिया ये सबसे आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है ये लेयर कैप्सूल जैसी होती है तो ये लेयर आपको सीई क्वेश्चन में आती है कि जो कैप्सूल जैसी लेयर है उस लेयर को क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया और ये किससे बनी है ये बनी है आपके कनेक्टिव टिश्यूज से ट्यूनिका एल्बुजीनिया लेयर किससे बनी है बच्चा इट इज मेड अप ऑफ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू ये चीज आपको सी एग्जाम में आती है कि जस्ट टेस्टिस के बाहर पहली लेयर जो है जैसे आप डेरी मिल्क चॉकलेट खाते हो या का, काजू कतली खाते हो तो काजू कतली के ऊपर जो सिल्वर फॉइल होता है समझो वो आपका ट्यूनिका एल्बुजीनिया है और मैंने उस काजू कतली को एक गिफ्ट रैपर में रैप कर दिया है तो जो सबसे बाहर का रैपर है दैट रैपर इज ट्यूनिका इलिस फिर उसके अंदर काजू कतली है काजू कतली के ऊपर जो सिल्वर फॉइल है वो सिल्वर फॉइल आपका ट्यूनिका एल्बोजी है तो ट्यूनिका एल्बुजीनिया कौन से टिश्यू से बना है को, ट्यूनिका ट्यूनिका एल्बुजीनिया. एल्बुजीनिया, एल्बुजीनिया के बाहर और एक लेयर है ट्यूनिका वेजीनालिस ट्यूनिका वेजीनालिस के भी दो लेयर होते हैं पराइटल लेयर एंड विसरल लेयर तो इसके बारे में इतना नहीं आता एग्जाम में आपको ये याद रखना है ट्यूनिका एल्बुजीनिया इज द मेन लेयर ठीक है ओके एल एस मतलब लेटरल सेक्शन बेटा टू टू थ्री डिग्री में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है बॉडी टेम्परेचर से टू टू थ्री डिग्री लोअर होना चाहिए स्क्रोटम का टेम्परेचर वो लिखा है तो आप आधा ही पढ़ रहे हो आधा पढ़ोगे तो गलत पढ़ोगे क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में कि आपका स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से टू टू थ्री डिग्री कम होना चाहिए तो ही आपका स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से होता है तो अगर बॉडी का टेम्परेचर थर्टी टू डिग्री सेल्सियस है तो उसको रोटम का टेम्परेचर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ठीक है ओके यस चलो सो ये जो ये जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज एल्बुजीनिया अगर आप टेक्सबुक के डायग्राम के हिसाब से जा रहे हो तो आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में ये जो व्हाइट कलर का कैप्सूल दिखाया है दिस व्हाइट कलर का कैप्सूल इज योर टूनी एल्बुजीनिया ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं

ये इसके अंदर इसका ट्यूनिका एल्बुजीनिया का लेयर है ये की वजह से अंदर ऐसे, ऐसे ऐसे लोब्स बन रहे हैं तो इनको बोलते हैं तो एक टेस्ट इसके पास कितने लोब्यूल होते हैं दो सो से तीन सौ दिस इज सी टी क्वेश्चन और एक लोब्यूल के अंदर कितनी टिब्यूल होती है चार एक से चार सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है मतलब ये देखो इसकी बात हो रही है ये जो येलो कलर का मैं इधर बना रही हूँ ना दिस इज योर टिब्यूल एक दो ऐसे मिनिमम एक और मैक्सिम चार टिब्यूल रहेगा इधर देखो दिस इज दिस इज योर लोब्यूल लेट मी यूज अनदर मार्कर दिस इज योर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल और इसके अंदर कितना टिब्यूल है दिस इज वन दिस इज टू दिस इज वन दिस इज टू ऐसे एक से चार सेमिनिफेरस टिब्यूल रहते हैं ठीक है

ये आपका आपका है, 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 इसके अंदर को को अगर मैं जूम करके तो इसकी जो बेस वाली लेयर होती है, उस बेस वाली होती उस बोलते हैं ियम और जर्मिनल एपिथिलियम के बीच बीच में आपको हेल्पर सेल्स दिखाई देंगे दैट इज सरटोली सेल्स इधर देखो यह आपका जर्मिनल एपिथिलियम है ये इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं और ये स्पर्माटोगोरिया के बीच बीच में ये जो पर्पल कलर के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले ये पर्पल कलर के सेल्स को बोलते हैं सरटोली सेल्स इसका दूसरा नाम है नर्स सेल्स इसका दूसरा नाम क्या है नर्स सेल या फिर तीन नाम है इसका ये सीटी क्वेश्चन है कि आपके जर्मिनल एपिथिलियम के बाजू बाजू में जो हेल्पर सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं नर्स सेल या सस्टेन सेल तो सरटोली सेल्स का क्या काम है ये सरटोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे इधर तक सबको जर्मिनलियम है, ये ये है। इधर पे आपका जर्मिनल एपिथीलियम है दिस इज योर जर्मिनल एपिथीलियम और इसके बीच बीच में आपको ऐसे सरटोली सेल्स दिखाई देते हैं सो दिस इज योर सरटोली सेल्स अभी ये एक टेस्टिस है और इधर पे दूसरा टेस्टिस है दिस इज वन टेस्टिस दिस इज टू टेस्टिस टेस्टिस, टेस्टिस टू तो इनके बीच बीच में भी आपको ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देंगे ये ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे लेडिक सेल्स क्या बोलेंगे इसको हम लेडिक सेल्स ये क्या सेक्रेट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन व्हाट इज एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जिसकी मदद से आपका स्पर्म का डेवलपमेंट होता है जिसकी मदद से क्या होता है स्पर्म का डेवलपमेंट होता है ठीक है और ये लेडिक सेल्स का दूसरा नाम है इंटर सेल

यस yes, एवरीबडी आपका टेस्टिस बना है मीसोडर्म से इधर देखो टेस्टिस बना है मीसोडर्म से एबडोमिन में डेवलपमेंट होता है और जैसे ही डेवलप हो जाता है तो वो स्क्रोटम में आ जाता है स्क्रोटम में कैसे आता है इंग्विनल कैनाल के मदद से इंग्विनल कैनाल की के मदद से इसके ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये इसको नीचे आके स्क्रोटम में छोड़ के जाती है स्क्रोटम में क्यों आता है टेस्टिस क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर इज मोर सुटेबल फॉर स्पर्म डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू एबडोमिन Scrotum में ही आपका कॉम डेवलपमेंट होगा क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर ज्यादा फेवरेबल होता है ठीक है तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ समझिए अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है नाउ कम्स योर हाँ इधर पे देखो इसमें से ये वाली चीज एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टेस्टिस है टेस्टिस टेस्टोस्टिंग हार्मोन की मदद से आपका टेस्टिस नीचे आना स्टार्ट होता है कैविटी से एबडोम में आना स्टार्ट होता है जैसे ही आपका टेस्टिस टेस्टिसक्रोटम में आ जाता है तो ये टेस्टिस के बीच में इधर पे एक रबर जैसा बैंड बनता है इस बैंड को बोलते हैं गबर नैक्यूलम जो आपके टेस्टिस को आपके स्क्रोटम के साथ पकड़ के रखता है ऐसे ऐसे मूव नहीं होने देता है ठीक है और कभी कभी मेल्स में क्या होता है छोटे बच्चों में जब टेस्टिस नीचे आता है ना तो कभी कभी उसके साथ आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट भी नीचे आ जाता है तो अगर ऐसा हुआ कि स्क्रोटम में टेस्टिस के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन नीचे आ गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंग्विनल हर्निया बस ये दो चीजें याद रखनी है ठीक है ओके उसके आगे देखते हैं एक्सेसरी के बारे में तो अपने को इधर तक समझ गया कि अपना ये अपना टेस्टिस है टेस्टिस के बाहर ट्यूनिका एल्बुजी है ट्यूनिका एल्बुजिया की वजह से ये देखो इधर लिख देती हूँ ट्यूनिका एल्बुजनिया थी ट्यूनिका एल्बुजनिया से आपके टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बन रहे थे एक टेस्टिस में 200 से 300 सौ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में एक से चार सेमिनिफेरस टिब्यूल टिब्यूल के पास जर्मिनल एपिथेलियम है और सर्टोली सेल्स है और दो टेस्टिस के बीच में इधर पे आपको लेडिक सेल्स देखने को मिलते हैं ये लेडिक सेल्स की मदद से हार्मोन बनता है ठीक है इधर तक अपने को समझ गया था अब उसके बाद आगे क्या होता है ये जो आपका टेस्टिस है इधर देखो ये जो अपना टेस्टिस है ये टेस्टिस के अंदर ये जो लोब्यूल है इसके अंदर जो आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये येमिनिफेर टिब्यूल ये टिब्यूल ये सब टिब्यूल एक साथ आके इधर पे एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है इधर देखो ये सारे के सारे के इधर पे आके एक साथ ये वेब लाइक -like स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वेब लाइक -like स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस रेटे मतलब क्या होता है मकड़ी के जाले के जैसा स्ट्रक्चर बनाना वेब लाइक -like स्ट्रक्चर बनाना तो यहाँ पे आपका वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया क्या बन गया इधर पे वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया उसको बोलते हैं रेटे रेटे में से टू निकल के वासा इफरेंशिया बनाते हैं ये देखो ये आपका रेटेटेस्टिस है इधर से अब सिर्फ बारह से बीस कितने ट्यूब्स निकल रहे हैं 12 टू 20 और ये 12 टू 20 ट्यूब्स निकल के क्या बनाते हैं वासा इफरेंशिया इनके अंदर क्या है स्पर्म देखो आपके सेमिनिफेरस स्टेड्यूल के अंदर जो स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा था इधर ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ

और फिर रेटे टेस्टिस से ये स्पर्म वासा इफेरेंशिया में जाएंगे फिर वासा इफेरेंशिया से ये स्पर्म एपिडिडाइमिस में आएंगे और एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म किधर जाएंगे आपके वासा डिफरेंशिया में तो ये स्पर्म को कैरी करने का एक-एक रास्ता इधर पे बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है ए स्पर्म कैसे ट्रैवल करता है उसके बारे में हमको बताया जा रहा है तो इधर पे आ जाओ आपका रेटेटेस्टिस uh, मिलके क्या बनाता है वासा इफ्रेंशिया वासा इफ्रेंशिया से आपके स्पर्म्स किधर जाएंगे एपिडिडाइमिस के पास जाएंगे तो ये देखो ये आपका टेस्टिस था टेस्टिस से इधर पे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल था अंदर वासा रेटेटेस्टिस था रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया बना ये देखो ये वासा इफ्रेंशिया बना अब ये वासा इफ्रेंशिया मिलके किधर जाएगा एपिडिडाइमिस के पास जाएगा एपिडिडाइमिस की बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है सबसे पहले आता है इसको 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 हम हम बोलते 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 हैं 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 फिर आता है है है, तो है, और ठीक तो इधर पे आया ये sperm maturation होगा, epidemis का main काम क्या होता है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म तो यहाँ पे आपके स्पर्म मैचर होंगे मैच्योर होके ये जाएंगे वासा डिफरेंशिया के पास किधर जाएंगे ये वासा डिफरेंशिया के पास सो so,

यहाँ से ये जो आपका वास डिफरेंस है ये वास डिफरेंस किधर जाएगा ये आपका टेस्टिस है यह आपका एपिडिडाइमिस है इधर से आपका वास डिफरेंस निकला ये वास डिफरेंस आगे जाके सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होएगा तो आपका जो स्पर्म है ये सेमिनल वेसिकल के साथ मिक्स होगा सेमिनल वेसिकल का काम क्या है सेमिनल वेसिकल का काम है फ्रुक्टोज प्रोवाइड करना फ्रुक्टोज की मदद से अपने स्पर्म को क्या मिलता है एनर्जी मिलती है स्विम करने के लिए फ्रुक्टोज के मदद से क्या होता है अपने स्पर्म को एनर्जी मिलती है ताकि वो स्विम कर सके तो ये देखो ये आपका स्पर्म सेमिनल वेसिकल में आया उसको फ्रुक्टोज शुगर दे दिया फ्रुक्टोज शुगर से उसको एनर्जी मिल गई तो अब ये स्पर्म आगे जाएगा ठीक है तो आगे किधर जाता है ये इजेकुलेटरी डक्ट में तो ये डायग्राम देखो लुक एट दिस डायग्राम ये देखो आपका जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल के पास आया सेमिनल वेसिकल से वो डक्ट के पास आया फिर डिजैक डक्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए अपना स्पर्म आगे यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा राइट तो किधर से आया स्पर्म सेमिनल वेसिकल से डक्ट इजैक्युलेट्री डक्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड से कॉपर्स ग्लैंड जहां पे उसको सिर्फ ल्युब्रिकेटिंग फ्लूइड मिलेगा और कॉपर्स ग्लैंड से यूरेथ्रा से होते हुए वो स्पर्म Penis के थ्रू बाहर इजैकुलेट हो जाता है सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर एक्सेसरी अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि को हम बोलते हैं को हम क्या बोलते हैं क्यों है? क्योंकि ये यूरिन निकालने का भी काम करता है और यहीं से आपका स्पर्म भी रिमूव होता है तो इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है सो दिस इज योर सीई टी क्वेश्चन अभी इसमें से बोर्ड्स में क्या आता है मैम बोर्ड्स में आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में या आपका हिस्टोलॉजी का टेस्टिस हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस ये वाला जो डायग्राम है बोर्ड्स में ये ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब समझो ये आपका ट्यूब है अगर इसको मैं बीच में से काट दूं और इसको ऐसे खोल के इसको ऊपर से स्टडी करूं तो उसको टीएस बोलते हैं और अगर मैं इसको साइड से कट करूं और फिर इसको ऐसे ओपन करके स्टडी करूं तो इसको एल एस बोलते हैं जब आप किसी चीज को साइड से काटते हो तो एल एस बोलते हैं जब आप उसको उसको बीच में से काटते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन है लेटरल सेक्शन तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए ठीक है ओके तो चलो अपने को ये मेन हिस्टोलॉजी वाला फ्लो चार्ट समझ में आ गया है कैसे काम होता है तो इसका आंसर बता दो फटाक से यस yes, एवरीबडी चलो हो गया सबका क्या आएगा इसका आंसर टेस्टिस इस पे प्रेजेंट होते हैं आपके स्क्रोटम में आके लोकेट हो जाते हैं टेस्टिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ईच टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल होते हैं दो सौ से तीन सौ अभी अपन ने पढ़ा था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइड तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में सेमिनल वेसिकल इसका पीएच कैसा है अल्कलाइन ये आपको याद रखना है सेमिनल वेसिकल से तीन चीजें मिलती है फ्रुक्टोज फाइब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रुक्टोज क्या करता है स्विम करने के लिए

वजाइना का पीएच कितना होता है फीमेल के टू 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 पॉइंट फोर और अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट टू तो इतना अल्कलाइन पीएच अगर इतने एसिडिक पीएच में जाएगा तो आधे से ज्यादा स्पर्म्स ऐसे ही मर जाएंगे इसीलिए प्रोस्टेट क्या करता है वो थोड़ा सा पहले से इसको एसिडिक कंडीशन देने का ट्रेनिंग करता है ताकि ये स्पर्म जो फीमेल के बजाय नामे जाए तो वो लोग तुरंत ना मर जाए ठीक है तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है स्पर्म को और थोड़ा है ग्लैंड। ग्लैंड होता है, जैसा होता है, दूसरा नाम है बल्बो यूरेथरल ग्लैंड ये एक्सेसरी ग्लैंड है इसका काम क्या है ये फाइव टू एट परसेंट सीमेंट में कंट्रीब्यूट करता है और ये लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है लुब्रिकेंट मतलब क्या होगा

सेमिनल वेसिकल का क्या काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है और कॉपर ग्लैंड का क्या काम है ठीक है सीमेन का पीएच कितना है 7.2 टू 7.7 मतलब इसमें आपका सब कुछ प्रेजेंट रहता है इसमें आपके स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं ये क्वेश्चन सीई क्वेश्चन है सिंगल इजैकुलेशन में मेल कितना सीमेंट एक्सक्रीट करता है कितना सीमेंट सिक्रीट करता है टू टू फोर एम और इसमें कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स तो ये क्वेश्चन सीई क्वेश्चन है

एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का ये तीन टाइप के टिश्यू से बनता है थ्री दो ये uh, ये देखो ये corpora cavernosa दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड मिडल में होता है पेनिस इज कॉल्ड एज रीजन को ग्लांस बोलते हैं इट इज कवर्ड बाई लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड Skin या इसका दूसरा नाम होता है 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 तो आपको ये लेबल करने के लिए भी पूछा जाता इसमें इसमें से से आपका आपका जो है, बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी मदद से आपका, जब इंटरकोर्स करते हो तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका जो पीनस है वो इरेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉर्पस फॉन्जियोसम क्योंकि इसके पास जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं तो ये टिश्यूज अगर नहीं रहेंगे तो मेल का पीनस इरेक्ट नहीं होगा यानी स्ट्रेट नहीं होगा जिसके वजह से इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है नेक्स्ट आता है स्क्रोटम स्क्रोटम के बारे में दो चीजें याद रखनी है स्क्रोटम एक पाउच है जो मेल्स के पीनस के पीछे प्रेजेंट होता है और दो लोब में डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट हाँ इधर पे एक चीज याद रखनी है कि स्क्रोटम एक पर्टिकुलर टाइप के मसल से बना है ये जो लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड है आपका ये जो स्क्रोटम और राइट में डिवाइडेड है इसके बीच में जो मसल प्रेजेंट है उस मसल को बोलते हैं डार्टोस मसल ये मसलोर डार्टोस मसल स्मूथ मसल फाइबर से बना है और डार्टोस मसल का स्पेशलिटी क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सीबल होता है मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मसल होता है ठीक है और स्क्रोटम का, का काम क्या होता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना अगर आपको स्पर्म डेवलपमेंट करना है तो आपको बॉडी के टेम्परेचर से दो से तीन डिग्री टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा तो ही स्पर्म डेवलपमेंट होगा तो स्क्रोटम का, का काम होता है बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर लो रखना ताकि स्पर्म डेवलपमेंट अच्छे से हो सके दिस क्लियर एवरीबडी चलो बता दो फटाफट से इसका आंसर जैसे सीटी एमएचबीएससी नर्सिंग सीटी टी का फॉर्म निकलेगा तो वी विल इन्फॉर्म यू ठीक है तब तक इसका आंसर बता दो आगे बढ़ते हैं तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से, से क्या बनता है फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है फ्रुक्टोज प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज तो क्या है गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो ये जो वन शॉट लेक्चर मैं ले रही हूँ ये यही वन शॉट लेक्चर सीई में यूज होगा यही वन शॉट लेक्चर आपके बोर्ड के लिए यूज होगा तो प्लीज इसको अच्छे से देखो ठीक है ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से कौन से पार्ट्स होते हैं देर आर सेवन पार्ट्स प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो ओवरी दो ओवर एक यूट्रस एक वजाइना वल्वा वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स

तो हरेक हार्मोन का क्या फंक्शन है ईस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है और सेकेंडरी कैरेक्टर्स मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है प्रेगनेंसी मेंटेन करता है रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम पे ये पेल्विक गर्डल को रिलैक्स कर देता है ताकि चाइल्ड का पार्चुरेशन अच्छे से हो सके

पेरी पेरी याद रख सकते हो प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन एक्टिव इन रिलैक्स इनहिबिट ठीक है ओके तो देखो ओवरी के अंदर पांच हॉर्मोन्स बनते हैं और वो पांच हॉर्मोन्स कौन से हैं हैंस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रिलैक्स इन एक्टिव इन इनहेबिट ओवरीज को साइड साइड में पकड़ के रखने के लिए कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है एबडो ओवेरियन लिगामेंट कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है ओवेरियन लिगामेंट द लार्जेस्ट इज द ब्रॉड लिगामेंट जो पेरिटोनियम से कनेक्टेड है मतलब ये देखो ये आपका ओवरी है तो ये ओवरी को पकड़ने के लिए ऐसे साइड में कनेक्ट करके रखने के लिए लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ओके अब हम डायरेक्ट ओवरी की बात करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट ओवरी की बात करते हैं समझो ये अपना ओवरी है ठीक है ऐसे चिकन लॉलीपॉप जैसे दिखाई देता है तो ये ओवरी का जो बाहर का रीजन है कॉर्टेक्स रीजन ये कॉर्टेक्स रीजन में आपको सिंपल एक सेल का लेयर देखने को मिलता है इस लेयर को बोलते हैं जर्मिनल सेल्स या उगोनिया इसी से आपके एग सेल्स फॉर्म होने वाले हैं

अब आगे देखो क्या बताया ओवेरियन फॉलिकल्स माइग्रेट अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रही हूँ ये अपनी ओवरी है जब आपके फीटस देखो ये ओवरी के अंदर इधर पे जर्म सेल्स है दीज आर जर्म सेल्स तो जब अपनी फीटस थ्री मंथ की होती है जब बेबी थ्री मंथ की होती है तो उसके ओवरी में टू मिलियन प्रीमॉडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल जैसे जैसे ये फीटस बड़ी होती है वैसे वैसे ये प्रिमोडियल फॉलिकल मरते जाते हैं और लास्ट लास्ट में सिर्फ थोड़े से प्रीमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ जब आपकी फीटस थ्री मंथ की होती है तो उसके ओवरी में टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं बट ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स का जो मियोसिस प्रोसेस है सेल डिवीजन चैप्टर में आपने पढ़ा है मियोसिस वन एंड मियोसिस मियोसिस वन में पांच स्टेजेस होते हैं लेप्टोटीन जयोटीन लेजीपा पैचिटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनिस तो जब आपके ये टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स मियोसिस करते हैं तो मियोसिस करने के टाइम पे ये डिप्लोटीन वाले फेज पे अरेस्ट हो जाते हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कौन से फेज पे ये अरेस्ट हो जाते हैं डिप्लोटीन फेज पे देखो इधर पे ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ये जो जर्मिनल सेल है इसको ही ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं ये ओवेरियन फॉलिकल्स जब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं जब इनका सेल डिविजन स्टार्ट होता है तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स ऐसे बहुत सारे सेल्स बनाते हैं और ये सारे सेल्स एक कोने में शिफ्ट हो जाते हैं ये जो कॉर्नर वाला रीजन है इस कॉर्नर वाले रीजन को बोलते हैं गोनाइडल रिच क्या बोलते हैं इसको गोनाइडल रिच जहाँ पर आपका एग का डेवलपमेंट होगा ठीक है ग्रेन्यूलोसा सेल्स मेच्योर उग ट्यूब्स और आपके स्ट्रोमा में इधर स्ट्रोमा में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स को बोलते हैं ग्रैन्युलसा सेल्स क्या बोलते हैं ग्रैन्युलसा सेल्स ये ग्रैन्युलसा सेल्स क्या करेंगे ये अपने प्रिमोडियल फॉलिकल के बाहर एक्स्ट्रा लेयर बनाएंगे मतलब ये अपने उगोनिया का मैच्यशन करेंगे क्या करेंगे ये अपने ओगोनिया सेल्स का करेंगे तो यहां पर आपको ऐसे एक पूरा बंडल दिखाई देता है देखो ये वाला डायग्राम दिखाती हूं ये देखो ये आपके जर्मिनल सेल्स हैं जर्मिनल सेल्स सेल डिवीजन करते हैं और वो अपना एक नेस्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं एग नेस्ट या फिर इसके लिए दूसरा नाम है पी फ्लगर सेल क्या नाम है इसके लिए पी फ्लगर सेल ये सेल नेक्स्ट एक-एक करके ब्रेकडाउन होते जाता है और ये सेल मियोसिस में एंटर करते हैं पर इनका मियोसिस डिप्लोटीन फेज पे अरेस्ट हो जाता है तो जब इनका डिप्लोटीन फेज पे अरेस्ट हो जाता है ये प्रिमोडियल फॉलिकल बनके वैसे ही अटक जाते हैं ये सब हो जाता है बिफोर थ्री मंथ्स ये सब कब होता है जब अपनी फेटस 3 मंथ से भी छोटी रहती है 3 मंथ से छोटी मतलब पैदा नहीं हुई है मां के पेट में अभी लड़की है और उसका ओवरी का डेवलपमेंट हो गया है तो जब अपनी फीटस थ्री मंथ से भी ज़्यादा छोटी होती है तो उसकी बॉडी में इतना सब कुछ ऑलरेडी बन गया है तो जब अपनी फीटस थ्री मंथ से भी छोटी है तो उसके बॉडी में कितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन गए हैं टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन गए हैं ये टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स का डिप्लोटीन फेज स्टॉप हो गया है अब जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स का मैचोरेशन स्टार्ट होगा हर एक प्रीमोडियल फॉलिकल के बाहर एक एक करके ऐसे ग्रैन्युलसा लेयर ऐड होते जाएगी ग्रेन्यूलोसा लेयर ऐड होते जाएगी और ये ग्रेनुलसा लेयर किधर से आ रही है ये देखो ये अपना ओवरी है इधर पे आपका प्रीमोडियल फॉलिकल्स है और यहाँ पे स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा में से एक एक करके लेयर ऐसे ऐड होते जाती है ठीक है ओके सो so, आपका पहले इधर पे एक झुंड बन जाता है जिसको बोलते हैं एग ट्यूब फिर एग ट्यूब से आपका एग नेस्ट बनता है और एग नेस्ट से आपके प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं ये जो मैंने बोला ये आपका एग ट्यूब एग ट्यूब से एग नेस्ट एग नेस्ट से प्रीमोडियल फॉलिकल्स ठीक है एंड बिफोर बर्थ ये सब कब हो रहा है फीटस के पैदा होने से पहले ये सब कुछ हो तो गया जब आपकी फीटस ट्वेल्व यानी थ्री मंथ्स हो जाएंगे फीटस के कंप्लीट तो दोनों ओवरी में कितना प्रेजेंट होता है प्रीमोडियल फॉलिकल्स टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स एक ओवरी में वन मिलियन एक ओवरी में वन मिलियन ठीक है तो अब ये जैसे जैसे आपका प्रिमोडियल फॉलिकल्स मेच्योर होगा मतलब जैसे जैसे वो फीटस चार महीने की होगी पांच महीने की होगी

और बर्थ होने के बाद ये फोर्टीन ईयर्स की होगी जब ये फोर्टीन ईयर्स की होगी तो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा लेकिन उसके बीच में ये जो चौदह साल का पीरियड था ये बीच का जो पीरियड है इस पीरियड में टू मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल से टू मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल से कितने बचते हैं जब ये पैदा होती है तो इसके पास सिर्फ कितने बचते हैं ओनली वन मिलियन प्रेमोडियल फॉलिकल्स जब ये पैदा होती है तो इसके पास वन मिलियन प्रिमोडियल फॉलिकल्स बचते हैं बीच में जो वन मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स गायब हो गए उसको बोलते हैं अट्रेसिया क्या बोलते हैं उसको अट्रेसिया ये देखो इधर पे क्या बोलते हैं उसको अट्रेसिया तो आपका जब प्रिमोडियल फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा था इधर पे देखो इतने सारे प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं बट इसमें से सिर्फ एक ही एग में हुआ तो बाकी के प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो मर गए

ओवरी से एक प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर हुआ तो फेब्रुवरी में राइट से होगा फिर लेफ्ट से फिर राइट से तो हर महीने जब लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो हर महीने एक ओवरी से एक प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर होता है कैसे मेच्योर होता है प्रीमोडियल फॉलिकल इधर देखो इधर आप पढ़ोगे मैं साइकिल के फेज में क्या होता है गया? हाँ तो देखो इधर क्या होता है फेज में जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के बाद इधर पे आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है फिर ये फॉलिकल के डेवलपमेंट से आपका मेच्योर एग बाहर आता है फिर ये एग उधर ही रहता है यूटरस में और फिर जब इसका टाइम हो जाता है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फिर से ब्लड बन के बाहर आ जाता है तो ये पूरा फेज एक महीने में होता है समझो एक महीने में राइट ओवरी से हुआ तो दूसरे महीने में लेफ्ट ओवरी से होगा फिर तीसरे महीने में राइट से फिर चौथे महीने में लेफ्ट से तो ऐसा एक एक प्रीमोडियल फॉलिकल ये देखो इधर पे बहुत सारे प्रीमोडियल फॉलिकल है तो हर महीने में एक प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर होकर बाहर जाएगा बाकी के प्रीमोडियल फॉलिकल मर जाएंगे उस मरने के प्रोसेस को बोलते हैं अट्रेसिया उस मरने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अट्रेसिया यस एवरीबॉडी इज दिस क्लियर स्ट्रोमा मतलब साइटोप्लाज्म जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स को तो जब पीरियड स्टार्ट होता है तो एक ओवरी से एक रिमोडियर फॉलिकल मेचोर होकर बाहर आएगा पीरियड्स की एज क्या होती है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉक्स पीरियड्स की इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के लिए पीरियड्स की एज क्या होती है थर्टीन ईयर्स मेनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स स्टॉप कब होते हैं ऑन एन एवरेज फोर्टी फाइव ईयर्स अभी कोई इधर पे बोलेगा मेरी मम्मी को अभी तक पीरियड्स आ रहे हैं मेरी नानी को अभी तक पीरियड्स आ रहे हैं नानी मेरी फिफ्टी टू ईयर्स की है नानी मम्मी मेरी फिफ्टी ईयर की है तो देखो ऑन एन एवरेज फोर्टी फाइव ईयर्स बोला है बट कभी कभी ये फिफ्टी फाइव ईयर्स तक भी कंटिन्यू रहता है डिपेंड करता है कि फीमेल की हेल्थ कैसी है उसको पीरियड स्टार्ट कब हुए उसका इंटेक कैसा है उसका यूटरस का हेल्थ कैसा है हम एवरेज वुमेन की बात कर रहे हैं कि एवरेज वुमेन में हमको फोर्टी फाइव ईयर्स में मीनोपॉज देखने को मिलता है उनका पीरियड फोर्टी फाइव ईयर्स में स्टॉप हो जाता है ठीक है तो ऑन एन एवरेज एक फीमेल को एक साल में तेरह बार पीरियड्स आते हैं कैसे क्योंकि एक पीरियड्स का साइकिल अट्ठाइस दिन का होता है

थर्टी वन माइनस ट्वेंटी एट इधर पे बच गए तीन दिन फिर फेब्रवरी में तो अट्ठाईस दिन ही होते हैं फिर मार्च में थर्टी वन माइनस ट्वेंटी एट बच गए तीन दिन तो ऐसा तीन 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 करते करते जनवरी टू तो डिसम्बर बारह बार पीरियड आए प्लस ये तीन 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 एड करते करते एक पूरा नया मंथ बन गया साइकल. तो टोटल एक साल में फीमेल्स को एक, देखो, देखो, एक, एक एग रिलीज हो रहा है तो तेरा साइकल में तेरा एग रिलीज होगा फीमेल्स को टोटल कितने साल तक पीरियड्स आते हैं अगर किसी लड़की को तेरह साल में पीरियड स्टार्ट हुए और फोर्टी फाइव तक पीरियड्स हो रहे हैं मतलब उसको थर्टी टू ईयर्स तक कंटिन्यू पीरियड्स होंगे थर्टी टू ईयर्स मल्टीप्लाई करो तेरा से मतलब कि थ्री टू जिक्स थ्री थ्री जर नाइन वन टू जो वन थ्री थ्री तो फोर वन सिक्स कितना हो जाएगा उसका फोर वन सिक्स बार उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे मतलब कितने एग्स रिलीज होंगे फोर वन सिक्स एग्ज रिलीज होंगे

जब आपकी फीटस को प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ उसका पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसका प्रीमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो गया तो प्राइमरी सेकेंडरी उकेंडरी उर्सरी उड ऐसे करते करते अपना प्रीमोडियल फॉलिकल क्या बनाता है ग्राफियन फॉलिकल और ये पूरे के पूरे साठ हजार अंडे में एक साथ नहीं होता है मैं बार बार बोल रही हूँ एक महीने में सिर्फ एक ही उड बाहर आता है मतलब एक महीने में कुछ प्रीमोडियल फॉलिकल्स मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही प्रीमोडियल फॉलिकल मेच्योर होकर बाहर आता है बाकी प्रीमोडियल फॉलिकल्स अभी भी रेस्ट कर रहे हैं इधर पे देखो मैं बार-बार तुमको ये चीज दिखा रही हूँ एक महीने में एक ही प्राइमोडियल फॉलिकल बाहर आएगा ये देखो इधर पे इतने सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं इधर पे दो-तीन प्राइमोडियल फॉलिकल्स का मैच्योरेशन एक साथ स्टार्ट हुआ पर इसमें से एक ही मैच्योर होके बाहर आया तो ऐसे करके फीमेल्स के बॉडी में पूरे फीमेल्स के लाइफ में 416 बार ही एग्स रिलीज होते हैं इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इज दिस क्लियर ठीक है चलो आगे देखें इधर गया तो ये देखो ये सेम चीज आपको इधर बताई गई है बिफोर बर्थ प्री नेटल बिफोर बर्थ तो बर्थ होने से पहले अपनी फीमेल मियोसिस में अटक गई थी लेकिन आफ्टर बर्थ पोस्ट प्यूबर्टी मतलब आफ्टर बर्थ उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसका जो प्रीमोडियल फॉलिकल है वो प्रीमोडियल फॉलिकल के बाहर ग्रेन्यूलोसा सेल की लेयर एड हुई ग्रेन्यूलोसा सेल मतलब ये जो स्ट्रोमा है ये इधर पे प्रीमॉडियल फॉलिकल है स्ट्रोमा में से ब्लड वेसल्स में से उसको न्यूट्रिय मिलता है और न्यूट्रिएंट्स की मदद से इसके बाहर एक सेल की लेयर बनती है इसको बोलते हैं प्राइमरी फिर प्राइमरी उमरीइड से इसके बाहर और एक लेयर ऐड हो जाएगी इसको बोलेंगे सेकेंडरी ऊसाइड तो ऐसे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है पर आपको ये समझ में आ रहा है बेसिक पाथवे समझ में आ रहा है कि आपकी फीमेल का जब मेन्स्ट्रल साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसका प्रीमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और जैसे जैसे प्रीमोडियल फॉलिकल बनेंगे जैसे जैसे वो डेवलप होंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा ईस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से और ज्यादा फॉलिकल्स ऐड होते जाएंगे जितना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा उतना ज्यादा फॉलिकल्स ऐड होंगे और जब आपका फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा मतलब जब ये फॉलिकल मेच्योर हो जाएगा तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से एल एच हॉर्मोन आएगा ये एल एच हॉर्मोन क्या करेगा आपके ओवरी में से एग को रिलीज करेगा ये देखो जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एल एच हार्मोन आता है ये एल एच हार्मोन की मदद से ही अंडा बाहर आता है अगर नहीं बना तो आपका ये जो अंडा है ये ओवरी से बाहर नहीं आएगा तो अपना अंडा जब बन जाता है इसको बाहर निकालने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से hormone, देखो आया तो आपका अंडा बाहर रिलीज हुआ तो एल एच हॉर्मोन बनेगा तो आपका एग बाहर आता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन तो ओव्यूलेशन की वजह से क्या होता है एक बार अंडा बाहर आ गया तो अभी पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं चौदह दिन तक पीरियड्स नहीं आते हैं मतलब

ये ग्राफियन फॉलिकल है इसमें से अंडा रिलीज होके बाहर आया तो आपका जो एल एच हॉर्मोन है ये बचे हुए ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल फॉलिकल को ये जो आपका बचा हुआ है बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि कभी ना कभी तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके यूटरस को ज्यादा हेल्दी रहना पड़ेगा तो ऐसे हर महीने क्या होता है जब आपका अंडा रिलीज हो जाता है तो आपका जो एल हार्मोन है ये आपके ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है बदले में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाता है तो अपना ये जो अंडा है ना ये फोर्टीन डेज तक वेट करता है मतलब एक्चुअली ये अंडा दो दिन में मर जाता है उसके बाद ये यूटरस में घूमते रहता है मरा हुआ अंडा ये देखो ये अंडा दो दिन तक वेट करता है कि स्पर्म अब आएगा अब आएगा लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो अंडा मर जाता है और मर के बाहर आ जाता है तो आपका इधर पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था ये कॉर्पस ल्यूटियम भी ड्राई हो जाएगा देखो जैसे ही अंडा बाहर आया तो इधर पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल था यह ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से हॉर्मोन बनता है लेकिन अगर आपका ये एग डेवलप नहीं हुआ तो आपका ये एग बाहर आ जाएगा इसको बोलते हैं फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज एग मतलब आपके अंडे के पास स्पर्म नहीं आया तो आपका ये एग ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी इसीलिए हर महीने प्रेगनेंसी हार्मोन बनता है और हर महीने वो प्रेगनेंसी हार्मोन ब्रेक हो जाता है तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक होके क्या बन जाता है कॉर्प पहले तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है वजह से यूटरस का डेवलपमेंट होता है ठीक है लेकिन समझो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एलबिकन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपका नया मेन्स्ट्रोल साइकिल स्टार्ट होता है सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये समझा है सबको वट इज डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में आपको पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलता है रीजनरेशन में सिर्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है प्लेनेरिया स्टारफिश ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है लेकिन रियल लाइफ में रीजनरेशन हायर एनिमल्स में सिर्फ रिपेयर मैकेनिज्म करता है हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको रीजनरेशन की मदद से नया बच्चा नहीं मिल सकता दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन ठीक है ओके okay, चलो फर्टिलाइजेशन पे जाते हैं ओके okay, चलो चलो इसका आंसर बता दो फटाफट ट्विन्स के बारे में आगे फर्टिलाइजेशन आएगा तभी बताऊंगी ट्विंस का बर्थ कैसे होता है एग एक ही रिलीज हुआ है लेकिन अगर उस एक एग पे दो स्पर्म आ गए तो वो एग जब फर्स्ट सेल डिवीजन करता है तो वो दोनों एम्ब्रियो अलग अलग हो जाते हैं तो उसके वजह से मोनोसाइकोटिक ट्विन्स होता है एक एग से दो बच्चे हो गए तो वो ट्विन्स वाला केस बहुत अलग होता है कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में दोनों ओवरी से एग रिलीज होते हैं और उसको दोनों स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो एक लड़का एक लड़की पैदा होता है तो ऐसे ट्विन्स का बहुत ज्यादा अलग अलग कंडीशन होता है जो आपको एनसीआर की बुक में दिया है अपने महाराष्ट्र सिलेबस में नहीं दिया है चलो नेक्स्ट हॉर्मोन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक आता है ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ मेच्योर फीमेल तो देखो अब हम ओवेरी के हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं ये देखो इस स्ट्रक्चर के बारे में तो so, इधर पे हमको क्या पढ़ने मिलेगा ओवेरियन हिस्टोलॉजी अगेन दिस फ्लो चार्ट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ठीक है ओके okay. लेट्स सी सबसे पहले आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है ये देखो ये आपका ओवरी है इधर पे आपके पास प्रीमॉडियल फॉलिकल है प्रीमोडियल फॉलिकल के बाहर जब एक लेयर ऐड हो जाती है तो ये बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल अब इसके बाहर स्ट्रोमा के सेल्स में से जो स्ट्रोमा है दिस इज स्ट्रोमा तो स्ट्रोमा में से एक एक लेयर ऐड होते जाएगी ये फर्स्ट लेयर ये सेकेंड लेयर तो ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल थे का मतलब क्या होता है आउटर लेयर बाहर में एक 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 ऐड होते जाएगी जिसकी वजह से आपका प्राइमरी फॉलिकल से आपको मिलेगा सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल का ग्रोथ होते जाएगा अब जैसे जैसे सेकेंडरी फॉलिकल की ग्रोथ होती है ग्रेन्यूलोसा सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जब ग्रेन्युलोसा सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है जैसे आपका फॉलिकल बढ़ता है वो ओवरी के अंदर शिफ्ट होते जाएगा जैसे जैसे वो ओवरी के अंदर शिफ्ट होगा मतलब समझो इधर पे इधर पे था ये फॉलिकल अब ये इधर इधर से इदर आ गया तो आपका ओवरी का बॉल भी आड़ा टेढ़ा होने लग जाता है उसको बोलते हैं मतलब आपने समझो खाना खाया अब वो खाना खा के जब आप उसको नीचे स्वालो करते हो तो आपके गले में ऐसे मूवमेंट दिखाई देती है ना तो उस मूवमेंट को बोलते हैं ब्लिस्टर्ड अपियरेंस ठीक है तो देखो जब आपका सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसी टाइम पे क्या होता है जब आपका सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसी टाइम पे ना यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है जिसके वजह से आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है ठीक है ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन आता है तो ये एलएच हार्मोन क्या करता है आपके ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज कर देता है क्या कर देता है ये ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज कर देता है और ग्राफियन फॉलिकल में से समझो ये ग्राफियन फॉलिकल है इधर ये एग है ओव्यूलेशन हो गया ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया तो अब ये बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल क्या बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है यूटरस को थिक बनाता है ताकि अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी हुई तो अपने बच्चे को पूरा न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए लेकिन समझो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन मतलब फिर वो पूरा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कम हो जाएगा और अपना कॉर्पस ल्यूटियम या ग्राफियन फॉलिकल का फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा इज दिस क्लियर एवरीबडी यस देखो जब प्रिमोरियल prim फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो आपके ओवरी में इधर पे बहुत सारे प्रिमोरियल फॉलिकल्स होते हैं उसमें से एक एग क्यों मेच्योर हुआ क्योंकि खाने की कमी थी देर वॉज लैक ऑफ फूड इसीलिए एक टाइम पे एक ही एग मेच्योर होता है ठीक है और कुछ क्वेश्चन है यस ओके डन चल आगे बढ़े देखो इतने सारे प्रिमोरियल फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही मेच्योर हुआ तो ये एक क्यों मेच्योर हुआ क्योंकि खाने की कमी है देर इज लेस फूड एंड मोर सेल्स तो एक टाइम पे एक ही मेच्योर होगा डेवलपमेंट सबका स्टार्ट होगा तीन चार सेल्स का स्टार्ट होता है है बट एक एक टाइम पे ही डेवलप होके बाहर आता है, क्योंकि इज लेस फूड ओके okay? right, अब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन देखते हैं सो so, देखो दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के बारे में अपने को क्या बताया है इसका भी मैंने फ्लो चार्ट लाया है सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हा स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल देखो ये सब फ्लो चार्ट ये पूरा का पूरा नोट्स ना आपको ऐप पे मिल जाएगा फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे तो फिर अभी सिर्फ ध्यान से सुनो ठीक है हाँ तो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है आपके जो स्ट्रोमा सेल्स है मतलब ये अपना ओवरी इधर पे ड्रॉ करती हूँ दिस इज अवर ओवरी ओवरी के बाहर इधर पे जर्मिनल एपिथिलियम थे फिर इधर पे प्रीमॉडियल फॉलिकल था ये प्रमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी फॉलिकल से बना ग्राफियन फॉलिकल तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है इसके बाहर आपको बहुत सारी लेयर दिखाई देती है उस लेयर को बोलते हैं थेका लेयर्स क्या बोलते हैं थेका लेयर अब थेका लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सटर्नल लेयर का क्या काम है प्रोटेक्शन इंटरनल लेयर का क्या काम है ग्रेन्यूलोसा सेल्स को प्रोड्यूस करना तो इधर देखो ये एक्सटर्नल लेयर है इसका काम है प्रोटेक्शन ये इंटरनल लेयर है इंटरनल लेयर क्या करता है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है क्या करता है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लेयर बनते जाती है तो इट सेक्रेट्स ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन की वजह से और ज्यादा ग्रैन्युलसा सेल्स बढ़ते जाते हैं ये ग्रैन्युलसा सेल्स के सराउंडिंग में ना आपको बीच में कैविटी दिखाई देती है इन बिटवीन ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड वो तो ये देखो ये बीच का जो कैविटी है ये वाला जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम इधर पे आपके लिक्विड वाले सेल्स होते हैं जिसमें फ्लूड भरा हुआ रहता है ठीक है ओके ऑल राइट हाँ तो क्या दिया है आगे पे इधर ग्रेन्यूलोसा सेल्स आगे जाके किस में डिवाइड होते हैं ये सीईटी क्वेश्चन है ग्रेन्यूलोसा सेल्स आगे जाके क्या क्या बनाता है तो ग्रेन्यूलोसा सेल्स से आगे जाके बनता है क्यूमुलस ओफोरस डिस्कस प्रोलीगेरस एंड कोरोना रेडिएटा इधर ध्यान से देखो ये आपका ग्रेन्यूलोसा सेल है ये ग्रीन वाला ये ग्रेन्यूलोसा सेल आगे जाके दो लेयर बना रहा है एक तो इधर वाला ये जो लेयर है दिस दिस येलो लेयर इसको हम क्या बोलते हैं ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस और ये जो सराउंडिंग सेल्स है ये सराउंडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस क्या बोलते हैं इसको हम क्यूमुलस ओफोरस सो दिस इज योर क्यूमुलस ओफोरस ओफोरसाइट प्लस ग्रैनुलोसा सेल्स दिस इज डिस्कस इट इज एट द बेस ऑफ इट इज एट द बेस ऑफ ये तो हो गया ना वॉट अबाउट दिस कोरोना रेडिएटा अब ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स और आगे का स्ट्रक्चर कैसा होता है इधर देखो ध्यान से ये जो आपका अंदर वाला सेल है ये जो येलो येलो लेयर है

तो जब आपका स्पर्म इधर से एंट्री लेकर आएगा और उसको अंदर आना है तो स्पर्म के सर पे जो टोपी होती है ये टोपी में एक स्पेशल एंजाइम होता है यालूरोनी देज। यालूरोनी देज। ये क्या करता है ये इस हालुरोरोनिक एसिड को ब्रेक करता है और एग के अंदर एंट्री लेता है तो कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में कैसे चिपके हुए हैं की मदद से फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है जोना पेलुसिडा कौन सी लेयर आती है ये देखो ये जो ब्लैक वाली लेयर है दिस लेयर इज योर जोना पेलुसिडा जोना पेलुसिडा इज अ अलर ये किसी सेल से नहीं बनी है ये सिर्फ शुगर और प्रोटीन से बनी है जोना पेलोसिडा की लेयर किससे बनी है इट इज ओनली मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन और ये लेयर अपने के साथ अपने एग के साथ बहुत टाइम तक रहती है ये जल्दी उसका साथ नहीं छोड़ती है ठीक है जोना पेलुसिडा लेयर के बाद आता है आपका पेरीवाइटिल स्पेस इधर देखो ये जोना पेलुसिडा लेयर है इसके अंदर ये जो स्पेस है

हो गया हो गया हो गया यस yes, एवरीबडी ये चैप्टर ड्रॉप मत करो एटलीस्ट इसके पीछे का एक्सरसाइज कर लो जिसको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी अपना कॉन्फिडेंस मत ड्रॉप करो अगर यह चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो एटलीस्ट इसके चैप्टर के पीछे का एक्सरसाइज करके जाओ, पर यह चैप्टर ड्रॉप मत करो ठीक है ओके okay. चलो आगे बढ़े

जब इधर से अंडा रिलीज होगा तो वो अंडा आपके इन्फंडी में आके बैठता है पर इन्फंडी के अंदर कैसे आएगा इन्फर्डी के पास ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फिम्बरी है। ये फिम्बरी के बीच बीच में इधर पे ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियम क्या बोलते हैं ये छोटे छोटे होल्स को ऑस्टियम तो आपका जो एग इधर से रिलीज होता है वो एग इस होल के थ्रू ऐसे अंदर आता है ठीक है तो इन्फंडी में आपका एग आता है ओके कैसे आता है ऑस्टियम की मदद से अब ये एग डायरेक्ट तो चल नहीं सकता क्योंकि इसके पास इस एग के पास खुद के हाथ पैर नहीं है कि ये चल के आगे जाए तो आपका जो है ये में ऐसे प्रेजेंट रहता है इट इज लाइन बाय एपिथेलियम तो ये क्या करता है ये इस एग को आगे आगे धक्का देता है आगे आगे धक्का देके ये एग इधर तक पहुंचता है जब आपका एग इधर तक पहुंचता है तब तक इधर से स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है तो एम्पला के बारे में एक ही चीज याद रखनी है तो फिर एग मर जाता है इसका मिओसिस अटका हुआ है. इसका मिओसिस टू अटका हुआ है ये मिओसिस टू मेटाफेस के स्टेज में अटक जाता है कौन से स्टेज में अटक जाता है मेटाफेज वो आगे जब उइट के बारे में पड़ेंगे तब बताऊंगे तो इन्फेंडिबुलम का काम है एग रिसीव करना एम्पुला का काम है फर्टिलाइजेशन करना और आगे जाके फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्ट होता है तो उसके बीच का कनेक्टिंग पार्ट जो उसको बोलते हैं इस्थमस इस्थमस ये इस हमने थारॉयड ग्लैंड में भी पढ़ा था थाड ग्लैंड इधर होता है और इधर होता है और बीच के बैंड को हम इस्थमस बोलते हैं तो इस्थमस का बेसिक मीनिंग होता है कनेक्शन ठीक है ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है अपना यूटरस तो यूट्रस के बारे में क्या बताया है यूट्रस की बॉडी में आपका यूटर फीटस स्टोर होता है मतलब ग्रो होता है स्टोर क्या होता है ग्रो होता है तो यूटरस इज द साइट ऑफ योर फीटर ग्रोथ आपका यूटरस भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है फंडस बॉडी एंड सर्विक्स तो इधर पे देखो ये फंडस वाला पार्ट पार्ट है जब आपका जयगोड बनता है तो स्टार्टिंग में जब उसकी ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे आपका फीटर्स आपके फंडस में घूमते रहता है ठीक है एक बार फीटस फंडस रीजन में आ गया तो उसके बाद फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है मिडल कैविटी में यानी कि बॉडी वाले पार्ट में बॉडी ऑफ द यूटेस और फिर जब वो फीटस पूरा ग्रो हो जाता है तो फिर उसको हम बाहर चाइल्ड डिलीवरी करते हैं सर्विक्स के थ्रू तो यूटरस के तीन पार्ट्स होते हैं फंडस बॉडी एंड सर्विक्स अभी इधर पे इसका जो बॉडी है इसके तीन लेयर्स के बारे में बताया गया है जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम का क्या काम होता है इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम my, ये मायोमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब चाइल्ड डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे ये मायोमेट्रियम खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसकी मदद से चाइल्ड ईजिली बाहर आ जाएगा यानी कि पार्चुरेशन हो जाएगा और अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम ये एंडोमेट्रियम लेयर लाल कलर की है इसके पास सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके वजह से इसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिय होते हैं और जब मेन्स्ट्रल साइकिल होता है तो उस टाइम पे भी एंडोमेट्रियम के लेयर में हमको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स का लेवल अप डाउन होता है और ये अपने फीटर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है तो ये तीनों लेयर का फंक्शन है ठीक है यूटरस कैंसर में क्या होता है अगर आपके यूटरस में अचानक से कोई ट्यूमर वगैरह फॉर्म हुआ या अंदर ही अंदर आपके सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं तो दैट इज़ यूटरस कैंसर इसको आप ब्लड टेस्ट बायोप्सी अल्ट्रासाउंड करके पता कर सकते हो इसको ट्रीट करने के लिए दो ऑप्शन होता है कि केमिकल थेरेपी रेडिएशन सर्जरी या फिर यूटरस को रिमूव कर दो तो यूटरस के रिमूवल को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी सी सीएटी में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है ठीक है नेक्स्ट आता है है वजाइना वजाइना अभी वजाएना के बारे में एक सिंपल सी चीज क्या बोली गई इट इज द दी ऑर्गन व्हाट इज वजाइना इट इज द वजाइनाप्यटरी ऑर्गन जिसकी मदद से मेल्स अपने स्पर्म को इनसेमिनेट करते हैं वजाइना के ओपनिंग के बाहर इधर पे एक म्यूकस मेंब्रेन होती है इस म्यूकस मेंब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन पहले के टाइम पे हाइमेन को वर्जिनिटी का इंडिकेटर माना जाता था पर बाद में पता चला कि ये जो हाइमन है ये हाइमन म्यूकस से बना है इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग तो जब कोई गर्ल फिजिकल एक्सरसाइज करती है जिमनास्टिक्स करती है साइकिलिंग करती है स्विमिंग करती है तो उस टाइम पे भी ये हाइमेन ब्रेक हो सकता है तो हाइमेन से ही वर्जिनिटी पता चलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है ओके हाइमन के थ्रू ही आपके वजाइना की एंट्रेंस पॉइंट स्टार्ट होती है तो वजाइना के बारे में आपको क्या याद रखना है कि वजाइना के पास देर आर नो ग्लैंड इन दजाइना बट दर्वाइवल इन द वजाइना और और एक चीज याद रखनी है कि वजाइना के पास बहुत सारा ग्लाइकोजन होता है क्योंकि ये जब आपका स्पर्म वजाइना के अंदर आएगा देखो इधर से जब अपना स्पर्म वजाइना के अंदर आएगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम पे स्पर्म को एनर्जी कैसे मिलेगी इस ग्लाइकोजन की मदद से और वजाइना का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये चीज भी आपको याद रखनी है जिसके वजह से स्पर्म्स की डेथ भी हो जाती है एंड वजाइना एक्ट एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज बर्थ कैनाल तो जैसे मेल्स का जैसे मेल्स का यूरेथ्रा उधर से यूरिन पास होता है उधर से ही सीमेंट पास होता है वैसे ही फीमेल्स का वजाइना है मेंस्ट्रुअल ब्लड भी वजाइना से ही आता है और चाइल्ड का बर्थ भी वजाइना से होता है देखो यूरिन वजाइना से नहीं आता ये वाला फोटो देखो फीमेल्स के यूरिनेशन के लिए अलग ओपनिंग होती है और चाइल्ड बर्थ के लिए अलग होती है यह, यहां से आपका यूरिन आता है यूरेथ्रल ओपनिंग से और यहाँ वजाइना है वजाइना से मेंस्ट्रुअल ब्लड प्लस पार्चुरेशन ये दो चीजें होती हैं ठीक है, है? चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन वजाइना से होता है अभी एक्सटर्नल जेनेटीलिया की अगर बात करें तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम वल्वा या प्यूडेंडम भी बोलते हैं ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है सबसे पहले आता है वेस्टिब्यूल फिर लेबिया माइनोरा वेस्टिब्यूल मतलब ये पूरा पार्ट जिसके अंदर आपका वजाइना इन्क्लोज है लेबिया माइनोरा मतलब क्या होता है लोअर लिप्स ये जो आपके वजाइना के होल को प्रोटेक्ट करते हैं इसके पास हेयर नहीं प्रेजेंट है दे डोंट हैव प्रोटीन बाहर आता है लेबिया मेजोरा दिस इज द आउटर लिप्स जो आपके इनर लिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपका आता है क्लिटोरिस क्लिटोरिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको एंटीरियर हुड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं यहाँ पे फीमेल का इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो मेल्स के कॉर्पोरा केवरनोसा के साथ होमोलोगस है दिस इज सी क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना मेल्स के पास कॉर्पोरा केवरनोसा होता है जिसके वजह से उसका पीनस इरेक्ट होता है जिसके वजह से ही फील्स द प्लेजर वैसे ही फीमेल्स के पास जो क्लिटोरिस है ये क्लिटोरिस फीमेल का इरेक्टाइल टिश्यू है जो मेल्स के कॉर्पोरा से मैच करता है जिसकी वजह से फीमेल प्लेजर फील करती है और उसके बाहर आता है आपका लेबिया मेजोरा ये आउटर लिप, ये आउटर आउटर लिप लिप क्या करती है इनर लिप्स को प्रोटेक्ट करती है एंड मॉन्स मॉन्स मतलब ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेयर है देखने को मिलते हैं मतलब दे हैव केराटिन प्रोटीन ठीक है जो प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी अनवांटेड कचरे को अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज करते हो तो समाइम्स इट इज नॉट क्लीन सो so, उस टाइम पे आपका जो भी डस्ट या हेयर होगा वो आपके प्यूबिक हेयर में अटक जाएगा ठीक है नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड वैसे तो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा ग्लैंड नहीं होते हैं बट दे हैव वन स्पेशल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड ये बार्थोलिन ग्लैंड मेल्स के कॉपर्स ग्लैंड के साथ मैच करती है सो दिस इज सी ए टी एज वेल एज बोर्ड्स क्वेश्चन की मेल्स का कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो फीमेल के ग्लैंड के साथ मैच करता है कॉपर्स ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड जैसे मेल्स का कॉपर ग्लैंड सेक्सुअल फ्लुइड रिलीज करता है वैसे ही फीमेल का बार्थोलिन ग्लैंड सेक्सुअल फ्लूड रिलीज करता है जिसकी मदद से सेक्सुअल इंटरकोर्स इजी हो जाता है ठीक है ओके okay. चलो आगे बढ़े ऑल राइट नेक्स्ट आता है मेमरी तो मेमरी ग्लैंड्स क्या है दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वही मॉडिफाइड होके मेमोरी ग्लैंड बन जाते हैं जो, है exactly है। तो जो है, तो केज के बीच में आपका मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसका डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है जब इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोरॉन हॉर्मोन बनते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमरी ग्लैंड में अगर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो कौन सा हार्मोन होना चाहिए तो उसके लिए आंसर क्या आएगा लैक्टोट्रोपिन हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन ये हार्मोन की मदद से ही प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है देखो फीमेल्स के ब्रेस्ट में कभी भी मिल्क नहीं बनता है मिल्क बनना कब स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर जब वो प्रेगनेंट होती है और फिर जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो मिल्क रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन सो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क बाहर कब आता है आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी

ये मिल ये सारे डक्स एक साथ इकट्ठा होके होकर पे ओपन होते हैं एरियोला रीजन में एरियोला रीजन में पूरा मिल्क स्टोर होके निपल से बाहर आता है तो यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखो कि जो डार्क ब्राउन कलर का राउंड पैच होता है बिलो द निपल उसको एरियाला बोलते हैं वहां से आपका मिल्क बाहर रिमूव होता है ठीक है ओके सो तो प्यूबर्टी इन मेल्स एंड प्यूबर्टी इन फीमेल्स ये अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल्स ठीक है चलो इसका क्वेश्चन बताते जाओ फटाफट से क्विक क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आउट ऑफ द टू मिलियन प्रीमॉडियल फॉलिकल्स कितने बचते हैं लास्ट लास्ट में वन मिलियन इसका आंसर बताओ क्विकली चलो तो क्या आएगा का इसका आंसर गैमेट्स किधर बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में आपके स्पर्म बनेंगे और एग बनेंगे फीमेल के ओवरी में नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको बुक से करना है हम जो प्रैक्टिस कराते हैं हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं करा वो आपके रेफरेंस के लिए होता है पर आपको सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंड नहीं करना है आपको अपनी बुक से भी पढ़ना है ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा किसका डायग्राम है ये दिस इज टी एस ऑफ टेस्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो इसका आंसर क्या आएगा दिस इज सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल क्या है ये आपका सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सेमिनिफेरस टिब्यूल हैज इंटरनली लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनता है फिर उससे आपका स्पर्मेटिड बनता है फिर लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बनता है ठीक है ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रोटम क्या होता है यस उचर गया हाँ it is a loose pouch जिसके अंदर आपका नाउ लेट स्टार्ट विथ मेन्स्ट्रोल साइकिल भाई बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हैं हम ठीक है के साथ स्टार्ट करते हैं मेन्स्ट्रल साइकिल के तीन फेजेस होते हैं चार फेजेस होते हैं बेसिकली पहले तो एक चीज ये याद रखनी है कि मेन्स्ट्रल साइकिल कितने डेज का होता है

इधर पे सेकंड का मुझे फोटो नहीं मिला तो मैंने नहीं डाला है और फिर वो देखो वो एग रिलीज हुआ वो एग यूटरस तक आएगा तो यूटरस तक एग आने के बाद ये देखो ये एग आपका यूटरस तक आने के बाद आपका फोर्थ फेज चालू हो गया तो फोर्थ फेज में क्या होता है ये एग इधर पे वेट करता है स्पर्म आएगा 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 पर अगर स्पर्म नहीं आया तो आपका ये एग देखो इधर पे यूट्रस की लाइनिंग ठीक होते जा रही है एक चीज ऑब्जर्व करो जब आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो ये यूटरस पतला होता है पीरियड्स के टाइम पे आपकी बॉडी का हेल्दी ब्लड बाहर नहीं जाता है आपकी बॉडी का जो अनयूज एंडोमेट्रियम होता है ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ये एंडोमेट्रियम की लेयर बाहर आती है अनयूज एंडोमेट्रियम लेयर और जैसे जैसे आपका फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज आता है सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज आता है तो देखो ऑटोमेटिकली आपके एंडोमेट्रियम की लेयर ठीक होते जाती है ये देखो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक होते जा रही है अब ये देखो इधर पे ये देखो इधर पे ये एग आएगा ये एग इधर से रिलीज होगा जब एग इधर से आएगा तो एलएच हार्मोन ज्यादा बनेगा एलएच हार्मोन ज्यादा बनेगा

ओके okay, तो बस यही चीज बताई गई है फर्स्ट फेज आपको क्या याद रखना है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेजेस के डे याद रखने हैं कि कौन से डे पे कौन सा फेज होता है फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं पांच दिन तक रहता है फिर सेकंड फेज प्रोलीफरेटिव फेज प्रोलीफरेटिव फेज में आपका फॉलिकल डेवलपमेंट होता है फॉलिकल डेवलपमेंट करने के लिए आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एफ एस एच हार्मोन आता है एफ एस हार्मोन की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है ईस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है जब फॉलिकल बन जाता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है और एल एच बनता है एल एच हारमोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो आपके प्रोजेस्टोरॉन हार्मोन बनाना स्टार्ट करता है जब प्रोजेस्टोरॉन हार्मोन बनता है तभी आपका यूटरस का डेवलपमेंट ज्यादा स्टार्ट हो जाता है तो इसमें से एक चीज तो आपको फेजेस के डेज याद रखने हैं दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है ओव्यूलेटरी फेज है क्योंकि ये एक दिन का ही होता है इस दिन अंडा रिलीज होता है ठीक है और सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है सेक्रेटरी फेज है क्योंकि ये सेक्रेटरी फेज में आपका यूटरस रिपेयर हो रहा है मतलब इधर पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप हो रही है और ये फेज चौदह दिन तक रहता है तो सेक्रेटरी फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और ओव्यूलेटरी फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है ये आपको याद रखना है चार फेजेस के नाम याद रखने हैं कौन से दिन पे कौन सा फेज होता है वो याद रखना है और ये याद रखो कि एग डेवलपमेंट करने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन प्लस एफएसएच हार्मोन साथ में काम करते हैं और जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन स्टॉप हो जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन स्टॉप एफएसएच स्टॉप तो फिर क्या रिलीज होता है एलएच हार्मोन और एलएच हार्मोन के वजह से प्रोजेस्टेरोन तो ऐसा याद रखो एफएसएच के वजह से ईस्ट्रोजन बनता है तो प्रोजेस्टेरोन किसके वजह से बनता है आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा

जब आपका अंडा नहीं होता है, तो वो अंडा बाहर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूनरल मतलब अंडा मेच्योर नहीं हुआ अंडा मर गया इसीलिए फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज एग ये थोड़ा साइंटिफिक जोक है ठीक है ओके नेक्स्ट ट्यूनिका डार्टोस मसल्स ये हमने स्क्रोटम के लिए पढ़ा था किससे बनता है ट्यूनिका डार्टोस मसल स्मूथ मसल से बनता है किससे बनता है स्मूथ मसल फाइबर से द नरिशिंग सेल्स इन दिब्यूलब्यूल है आपके है सेल्सोली सेल है जब आपका स्पर्म डेवलपमेंट uh, होता है तो स्पर्म को डेवलपमेंट करने के लिए कौन सेल्स हेल्प करते हैं सरटोली उनको नरिशमेंट देते हैं सो ऑप्शन नंबर सी इज आंसर सेमिनल फ्लूड कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है

ये अपने जर्म सेल्स हैं ये जर्म सेल्स से आपका स्पर्म बनता है कैसे बनता है इधर देखो ये आपके जर्म सेल्स हैं दीज आर योर जर्म सेल्स ये जर्म सेल मैच्योर होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है फिर इसके अंदर मियोसिस 1 होता है मियोसिस 1 जब होता है तो आपको दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं और फिर उनके अंदर जब मियोसिस 2 होता है तो आपको चार स्पर्मेटिड्स मिलते हैं सो दिस इज हाउ

अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा तो आप इसके थ्री एक्सप्लेन कर सकते हो पहला फेज होता है ग्रोथ फेज, जिसमें माइटोसिस मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन करेगा बहुत सारे कॉपीज बनाएगा फिर उसमें से कुछ सेल्स ग्रो होंगे तो उस फेज को बोलेंगे ग्रोथ फेज और ग्रोथ फेज की वजह से आपको मिलता है प्राइमरी मियोसिस जब चालू होगा तभी आपका डिप्लॉइड से ये मैं बार बार बोल रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी क्वेश्चन आपका चालू होता है जब तो मीओसिस तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है समझो आपके पास फोर हंड्रेड स्पर्मेटोसाइट परमेटोसाइट है तो आपको कितने स्पर्म मिलेंगे अपने को पता है एक प्राइमरी परमेटोसाइट से चार स्पर्म मिलते हैं ये देखो एक प्राइमरी परमेटोसाइट से

तो 400 सेकेंडरी चारो से कितने स्पर्म मिलेंगे 800 सौ एक का डबल चार का डबल आठ तो आपको ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन सीएटी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है यू हैव योर जर्मिनल सेल्स जर्मिनल सेल्स पहले ग्रो होंगे तो आप भी बकरे को भी हलाल करने से पहले आप उसको खाना पीना खिलाते हो फिर उसको काटते हो तो वैसे मतलब उसकी बलि देते हो तो वैसे ही स्पर्मैटोसाइड भी डिवाइड होने से पहले ग्रो होते हैं फिर उसके बाद मियोसिस वन करते हैं फिर मियोसिस टू करते हैं अभी यहाँ तक का जो प्रोसेस है यहाँ तक का प्रोसेस ये आपका अलग प्रोसेस है अभी इसके बाद आपका जो स्पर्म का टेल वगैरह बनना स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं है? सरटोली, है। है? सरटोली सेल्स के पास तो इधर देखो आपका ये सेमनीफेस्टिब्यूल है इधर जर्म सेल था इससे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड प्राइमरी बना इससे बने आपके चार स्पर्म अभी यहाँ पे आपके सरटोली सेल्स है ठीक है तो ये आपका स्पर्मेटेड इसके पास आया ये स्पर्मेटेड साइटोप्लाज्म में फ्लो होके इसके पास आया अब धीरे धीरे इसके अंदर टेल वगैरह बनना स्टार्ट होगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ये आपका सरटोली सेल है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और टेल बनने के बाद ये स्पर्म का टेल बनने के बाद जब ये अपना सर सरटोली सेल से हटा लेगा मतलब ये अपना सर जिस जो इसने चिपका के रखा था ये अपना हेड हटा लेता है मतलब ये अपने हेड को ऐसे डिटैच कर लेता है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन ये सब नीट का क्वेश्चन है क्या बोलते हैं उसको स्पर्मिएशन डिटैचमेंट ऑफ हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल ठीक है ठीक है ओके स्पर्मिएशन मीन्स डिटैचमेंट ऑफ हेड फ्रॉम द सर्टोली सेल ताकि ये रेटेटेस्टिस में जा सके रेटेटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया फिर 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 वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल आगे आगे जाने के लिए ये स्पर्मिएशन दिखाता है इज दिस क्लियर एवरीबडी ठीक है ओके तो जब आपका एक स्पर्म बन जाता है तो एक स्पर्म का स्ट्रक्चर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कितने बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है चार हेड नेक मिडल पीस टेल हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हेलुरोनिडेज प्लस जोनालाइसिन जो एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे न्यूक्लियस हेप्लोइड होता है इसके अंदर डीएनए होता है फिर इसके नीचे दो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे अपने सेकेंडरी ऊसाइट का मियोसिस कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे देखो किसी ने पूछा ही नहीं कि मैम फीमेल के एग का मियोसिस कंप्लीट क्यों नहीं होता है क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं और मियोसिस कंप्लीट करने के लिए सेंट्रियोल्स चाहिए क्योंकि सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर बनता है जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है अगर आपके पास सेंट्रियोल ही नहीं रहेगा तो आपका मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगा 1 कैसे कंप्लीट हुआ की मदद से पर बार बार एफ एस एच हॉर्मोन हेल्प करने नहीं आएगा ना तो सेकेंड टाइम एफ एस एच हॉर्मोन नहीं हेल्प करता है इसीलिए करने, तो तो करने से पहले सेकेंडरी ओसाइट का मैचुरेशन होता है उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होता है मतलब फ्यूजन होता है दोनों के न्यूक्लियस का तो एक्रोसोम किससे बना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना है दिस इज सी क्वेश्चन जब आपका ये स्पर्म sperm, स्पर्मेटेड के फॉर्म में था तो इसके अंदर क्या-क्या प्रेजेंट था इसके अंदर न्यूक्लियस था इसके अंदर ऐसे इधर पे गॉल्जी अपरेटस था इसके पास ऐसे सेंट्रिओल्स का बंडल था ठीक है और इसके पास ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया था दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज सेंट्रिओल तो जब ये स्पर्म का टेल बना जब इस स्पर्म का टेल बना तो एक्रोसोम मतलब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये गोलजी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम बन गया ठीक है और आपका न्यूक्लियस इधर सेंट्रल में आ गया तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सेंट्रियोल्स एक नजदीक एक दूर जो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास रहता है उसको पॉक्सीमल बोलते हैं जो न्यूक्लियस से दूर रहता है उसको डिस्टल बोलते हैं और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे नेक रीजन में आके स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो गया इसको बोलते हैं नेबेनक नवेनकेन माइटोकॉन्ड्रिया और फिर इसके नीचे जो बचा हुआ बॉडी है उसको बोल देते हैं टेल सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है so sperm, very, very, very इसका डायग्राम आ सकता है लेबल आ सकता है ओके okay? अभी एक और चीज इधर पे बताई गई है कि अपना जो स्पर्म है उसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है 1 मिनट रुको ये मुझे सेव करने दो हाँ, इधर देखो ये जो अपना स्पर्म होता है ना इसके पास एक स्पेशल चीज होती है इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन होता है इधर पे उसके एंटी फर्टिलाइजिन होता है जो एग के प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो इससे कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है अगर आपने ह्यूमन के बॉडी में ह्यूमन फीमेल की बॉडी में डॉग का स्पर्म डाला तो दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्यों क्योंकि उसका अलग स्पीशीज का स्पर्म है इसका अलग स्पीशीज का एग है तो ये कैसे पहचान में आता है उसके एंटीना की मदद से उसके रिसेप्टर्स की मदद से तो ह्यूमन स्पर्म के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग और ह्यूमन के एग के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग दिस इज एंटी फर्टिलाइजिंग दिस इज फर्टिलाइजिंग तो ये कंपेटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है ठीक है आगे बढ़े एक्रोसोम किससे बना है गोल्जी बॉडी से विच ऑफ द फोलोइंगलुड से क्या क्या मिलता है, so है का का लेक्चर खत्म होने के बाद में चैट्स देखूंगी तभी पूछो ना तुम लोग स्पैम करते हो फिर प्रॉब्लम हो जाता है बाकी बच्चे फिर इधर पे हंगामा करने लग जाते हैं ठीक है ओके ओके okay. नेक्स्ट आता है ओजेनेसिस अभी आप लोग चैट में बोलते भी हो कि मेरा बायो कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है तो पढ़ो ना मैं इधर पे तुम लोग के लिए पढ़ा रही हूँ मेरी तबीयत इतनी खराब है आवाज नहीं निकल रही है गले से कंटिन्यू नाक बह रही है फिर भी मैं दो घंटा हो गया नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ और अभी और पता नहीं कितना टाइम जाएगा तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो सुनो ना तुम लोग अपना ही इधर पे अलग रामायण महाभारत चालू रखते हो चैट बॉक्स में अभी ऊ क्या होता है ओ में आपका एग का डेवलपमेंट होता है सेम फेज है सबसे पहले आपका आता है मल्टीप्लीकेशन फेज मतलब माइटोसिस होगा उसके बाद ग्रोथ होगी और उसके बाद आपका मियोसिस स्टार्ट होता है इधर देखो ये आपका ग्रेन्यूलोसा सेल है ऊसाइट है सेकेंडरी ऊसाइट है ठीक है इधर देखो जर्मिनल एपिथेलियम ये सब कब हो रहा है अनबोर्न फीमेल के बेबी के बॉडी में हो रहा है ठीक है ये बच्ची अभी तक पैदा नहीं हुई है उसकी बॉडी में ये सब हो रहा है उसका जो जर्मिनल एपिथिलियम है माइटोसिस करके ओगोनिया बना ओगोनिया करके उसने मियोसिस वन किया पर उसका मियोसिस वन अटक गया था कौन से फेज पे अटक गया था डिप्लोटीन फेज पे अटक गया था फिर ये बच्ची पैदा हुई पैदा होने के बाद इसका पीरियड स्टार्ट हुआ तो पीरियड जब इसका स्टार्ट हुआ तो ये जो फेज पे अटक गया था उसका मियोसिस वन कम्प्लीट होता है

दोनों में फर्क क्या है इसके पास भी फंक्शन ऑफ पोलर बॉडीज हैव लेस फूड एक एक जर्मिनल एपिथेलियम से एक ही सेकेंडरी डेवलप होगा और ये सेकेंडरी कब मैच्योर होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है स्पर्म अगर नहीं आया तो सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर नहीं होगा ठीक है

ये वाइटलिन मेम्ब्रेन से जोना पेलुसिडा बना है वाइटलिन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस और उसके अंदर वाइटलिन मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिलता है इसको बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल जर्मिनल वेसिकल यानी कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस यानी कि इसका मेटाफेज स्टेज अटका हुआ है दिस इज द लार्ज न्यूक्लियस ठीक है और यहाँ पे आपका फर्स्ट पोलार बॉडी है जहाँ पे आपका फर्स्ट पोलार बॉडी प्रेजेंट रहता है इस रीजन को हम बोलते हैं एनिमल पोल तो जब आपका स्पर्म आएगा तो स्पर्म को डायरेक्शन देने के लिए कि इधर से एंट्री करो आपका फर्स्ट पोलार बॉडी हेल्प करता है मतलब वो स्पर्म को डायरेक्शन देता है कि इधर से अंदर आओ तो जल्दी से फ्यूजन होगा क्योंकि न्यूक्लियस इधर पे प्रेजेंट है ठीक है so, सो जहाँ पे पोलार बॉडी प्रेजेंट होती है उस रीजन को बोलते हैं एनिमल पोल और उसके अपोजिट रीजन को बोलते हैं वेजिटल पोल इसका काम सिर्फ एक ही है ठीक है ओके सो दिस इज योर एनिमल पोल जहां से आपका स्पर्म जल्दी एंटर करता है एंड द अपोजिट पोल इज नोन एज दी वेजिटल पोल

सी ए फॉर कैल्शियम आयन सी ए फॉर कैपेसिटेशन तो स्पर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए हम उसको कैल्शियम आयन देते हैं जिसके वजह से चार पांच घंटे लगता है पर चार पांच घंटे के बाद स्पर्म की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है तो ये सब प्रोसेस यूटरस में होता है चार पांच घंटे में और जैसे ही की स्पीड बढ़ गई तो देखो स्टार्टिंग में जब अपना स्पर्म वीक था तो उसकी टेल ऐसे मूव हो रही थी बट आफ्टर कपेसिटेशन स्पर्म की टेल की मूवमेंट ऐसे होती है इसको बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट इसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मूवमेंट तो स्पर्म बहुत आलसी हो जाता है जब वो फीमेल के वजाइना में आता है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है अभी समझो ये फीमेल का सर्विक्स है ये वजाइना है ये सर्विक्स है आपका स्पर्म सर्विक्स तक आ गया अभी ये वजाइना में भी आ गया अब ये कंफ्यूज हो गया कि मैं किधर स्पर्म कंफ्यूज हो गया मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं समझो आपका एग इधर पे है तो स्पर्म को कैसा पता चलेगा कि मैं किधर जाऊं तो आपके एग के पास जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है ये फर्टिलाइजिंग क्या करता है फर्टिलाइजिंग ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसकी वजह से स्पर्म तक ये सिग्नल पहुंचता है और फिर आपका स्पर्म ट्रैवल करके आपके एग तक पहुंच जाता है क्योंकि स्पर्म के पास भी एंटी फर्टिलाइजिंग है ना तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं जिसकी मदद से आपका स्पर्म सही डायरेक्शन में जाता है तो थर्ड स्टेप है कीमो अट्रैक्शन यानी फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग का रिएक्शन जिसमें कंपैटिबिलिटी होता है फिर नेक्स्ट स्टेप है एक्रोसोम रिएक्शन देखो एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है जब आपका स्पर्म एग के पास आता है तो उसके एक्रोसोम से ना केमिकल्स निकलते हैं ताकि वो हाइलुरोनिक एसिड को डिलीट कर सके इधर देखो आपका स्पर्म आया अटैच हुआ एग मेम्ब्रेन के साथ फिर इसने एक्रोजोमल रिएक्शन दिखाया एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब इसके अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकल रहे हैं जो आपके बाहर की मेम्ब्रेन को डिजोल्व करेंगे पूरा एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद ये पूरा मेम्ब्रेन जब डिजोल्व हो जाता है तो स्पर्म अपना न्यूक्लियस एग के अंदर छोड़ देता है स्पर्म का प्लाज्मा मेंब्रेन और एग का प्लाज्मा मेंब्रेन दोनों फ्यूज हो जाते हैं और स्पर्म अपना न्यूक्लियस अंदर छोड़ता है कभी भी याद रखो स्पर्म का पूरा बॉडी एग के अंदर नहीं जाता है सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस और स्पर्म के सेंट्रियोल एग के अंदर जाते हैं बाकी स्पर्म का बॉडी पूरा बाहर रहता है तो एक्म रिएक्शन होने के बाद फ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसके वजह से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है और ये जो छोटे छोटे कॉर्टिकल है ये छोटे छोटे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं इधर से रास्ता बंद कर देते हैं ताकि बीच में सुमड़ी में दूसरा स्पर्म ना घुस जाए क्योंकि अगर दूसरा स्पर्म घुस गया तो आपका जो क्वेश्चन था ना ट्विन्स वाला वो हो सकता है मतलब एक एक को दो स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे तो फिर आपको ट्विन्स मिलेंगे जिसके वजह से आपका यहाँ पे मतलब एम्ब्रियोनिक का कंडीशन हो सकता है और एक बार आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया तो उस फर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है और आपके ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है जो वाइटलिन में प्रेजेंट होते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इधर से रास्ता बंद कर देते हैं ठीक है सो एक्रोजोम रिएक्शन दिखाता है अपने अंदर से एंजाइम्स रिलीज करता है जिसके वजह से कोरोना रेडिएटा को तोड़ के अपना स्पर्म अंदर घुस जाता है स्पर्म जैसे ही अंदर घुस जाएगा उसके बाद क्या होगा स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड करता है सोडियम रिलीज होते हैं हैं जिसके वजह से हम को ब्लॉक कर देते हैं। और एक बार आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैच हो गया मतलब दोनों एक बार फ्यूज हो गए तो फिर आपके एग के अंदर आपका सेंट्रियोल चला जाता है जब ये आपका एग है एग के अंदर जैसे स्पर्म का न्यूक्लियस आया दिस इज स्पर्म का न्यूक्लियस और इसका सेंट्रियोल आया और इधर पे एक का न्यूक्लियस है तो ये सेंट्रियोल पहले जाएगा और अपने एग का कंप्लीट करेगा स्पिंडल फाइबर बना के और मियोसिस टू कंप्लीट होने के बाद आपका स्पर्म का न्यूक्लियस आपके एग के न्यूक्लियस के साथ फिक्स करेगा फ्यूज करेगा ठीक है सो दिस इज हाउ योर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये बोर्ड्स में टू मार्क्स के लिए आता है आपको वापस से जायगोट मिलता है और आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो बच्चा मेल है कि फीमेल है टेक्निक से कर सकते हैं ठीक है ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा तो आप डायग्राम्स की मदद से देख सकते हो देखो बिफोर कपैसिटेशन आफ्टर कपेसिटेशन ठीक है इन एंटी इन रिएक्शन ओके एक्रोजोम रिएक्शन एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड फ्यूजन फर्टिलाइजेशन ठीक है सो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनता है जब मियोसिस वन होता है एग में जब मियोसिस वन होता है दिस इज दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले जब ये टर्शरी फॉलिकल था तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था तभी इसका मियोसिस वन हो गया था तो इसका फर्स्ट पोलर बॉडी बना दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी ये आपका ग्राफियन फॉलिकल है पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी अंदर नहीं रहता है ये अंदर आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके साथ आपका फर्स्ट पोलर बॉडी रहता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस वन के टाइम पे बनता है ऐसे याद रख सकते हो वन वन द मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज अचीव ड्यूरिंग सेकेंडरी ओसाइट को अगर मैच्योर करना है तो ये कब हो सकता है जोना पेलुसिडा इज द आउटर अ मेम्ब्रेन ये मैंने पहले पढ़ाया था आप तभी शायद थे नहीं लेक्चर में जोना पेलुसिडा आउटर मेम्ब्रेन है जो ग्लूकोज और प्रोटीन से बना है ठीक है ओके सो मैचुरेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बार्थोलिन ग्लैंड किसके साथ मैच करता है फीमेल का बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोग टू विच ग्लैंड बताओ जल्दी यस कम ऑन टेल मी The answer is bulbo urethral gland. Next question.

तो so, इसका आंसर क्या आएगा ज़ोना पेलुसिडा देखो कैसे आपका इधर पे एग का डेवलपमेंट हो रहा है तो समझो फर्टिलाइजेशन हो गया समझो फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके एग का सेल डिवीजन कैसे होता है अपने एग के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा एक के सेल डिवीजन को क्लीवेज प्रोसेस और अपना ये जो जायगोट है ये जायगोट जब डिवाइड होता है तो उसके जो बेबी सेल्स है इसको बोलते हैं है। है मतलब इसमें से सिर्फ थोड़े से सेल्स होंगे और बाकी के सेल्स एज इट इज आगे पास होते जाएंगे ठीक है so, सो इधर देखो सेल डिवीजन कैसे होता है ये आपका जायगोट है ये आपका सेल डिवीजन है मोर्यूला मोर्यूला के बाद ब्लास्टूला Blastula के बाद ब्लास्टोसिस्ट और फिर आपका ये देखो zygode, पहला division, longitudinal, दूसरा division, longitudinal, but at 90 degree. और फिर उसके बाद एक से दो, दो से चार चार से आठ आठ से सोलह जब आपका cell 16 to 32 stage पे आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोरूला अब इधर पे आपको एक चीज क्या ऑब्जर्व करनी है कि फर्स्ट सेल डिवीजन कैसे हो रहा है लॉन्जिट्यूडनल देखो फर्स्ट सेल डिवीजन लॉन्जिट्यूडनल हुआ सेल डिविजन भी लॉन्जिट्यूडनल हुआ बट इट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट सेल डिविजन तो फर्स्ट क्लीवेज

एंडिंग में छोटे छोटे सेल्स है और बीच में बड़े बड़े सेल्स है स्मॉलर सेल्स आर आउटसाइड एंड लार्जर सेल्स आर प्रेजेंट इन देखो इसमें से जो अनइक्वल डिविजन हो रहा है उसकी वजह से जो छोटे छोटे सेल्स है वो बाहर का बॉर्डर बनाते हैं और सेंटर में लार्ज सेल्स प्रेजेंट रहते हैं तो ये जो सेंटर में लार्ज सेल्स प्रेजेंट है वही सेल्स आगे जाके आपका एम्ब्रियो बनने वाले हैं ठीक है इधर देखो ये आपके आउटर सेल्स है ये आपके इनर सेल्स है आउटर सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है ये आपके यूटरस में से ग्लाइकोजन खाता है जब तक ये यूटरस में रहेगा तब तक ये ग्लाइकोजन खाएगा और एनर्जी लेगा और ये जो इनर सेल मास है इनर सेल मास को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट क्योंकि इसी से आपका आगे एम्ब्रियो बनने वाला है ठीक है तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का क्या काम होता है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन और इनर सेल मास का क्या काम होता है ये आगे जाके एम्ब्रियो बनने वाले ये कौन से डे पे होता है सेवेंथ डे पे होता है बस यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ रॉबर्ट ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था बोर्ड में आपका ये जो इनर सेल मास है ये इनर सेल मास के कुछ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो ये जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के कॉन्टेक्ट में होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर्ट क्या बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर्ट और इधर पे देखो आपको क्लियर कट पोलैरिटी दिखाई दे रही है पूरा इनर सेल मास इधर है और इधर पे कुछ भी नहीं है तो जहां पे आपका इनर सेल मास प्रेजेंट रहता है इस एंड को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड और ये जो अपोजिट वाला एंड है इसको बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल इधर पे कुछ भी नहीं है इधर पे सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं ठीक है ठीके? आपका ये जोना पेलुसिडा चिपका रहेगा ये जोना पेलुसिडा कब तक चिपका रहता है जब तक आपका एग यूटरस में भटकता है और जैसे ही आपका यूटरस इम्प्लांटेशन मतलब आपका एम्ब्रियो जब यूटरस के अंदर इम्प्लांट होने वाला रहता है तभी आपका जोना पेलोसिडा रिमूव होता है इधर देखो ये देखो ये जब आपका इम्प्लांटेशन चालू होएगा तभी जोना पेलोसिडा बाहर आता है नहीं तो जोना पेलोसिडा आपके एम्ब्रियो का साथ कभी नहीं छोड़ता है क्यों नहीं छोड़ता है क्योंकि देखो ये आपका फीमेल का एक मिनट रुको हाँ इधर देखो आपका ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इधर से जो एग आया है अगर समझो ये एम्ब्रियो इधर के पास मतलब आपका ये फेलोपियन के पास ही, अगर बड़ा हो गया तो ऐसी प्रेगनेंसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको एबनॉर्मल या एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपका जो फीटस है वो आपके यूटरस को छोड़ के किसी गलत जगह पे ग्रो हो रहा है तो ये ऐसा ना हो इसीलिए जोना इसका साथ छोड़ता ही नहीं है ये जोना पेलुसिडा सिर्फ तभी निकलता है जब आपका एम्ब्रियो यूटरस के अंदर जाएगा तब तक जोना उसका साथ छोड़ता ही नहीं है ये देखो ये डायग्राम देखो इधर पे भी है जोना पेलुसिडा इधर, पे इधर, पे इधर पे भी है इधर पे भी है इधर पे भी है इधर पे भी है ये जोना पेलुसिडा कब रिमूव होता है जब आपका ये एम्ब्रियो अंदर जाता है क्योंकि अगर ये जोना पेलोसिडा पहले ही रिमूव हो गया तो आपका फीटस इधर ही ग्रो होने लग जाएगा और ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी क्योंकि इधर जगह नहीं है ये फीटस को ग्रो करने की तो ऐसे प्रेगनेंसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फीटस और इन एनी प्लेस ऑफ द यूटरस अदर देन एंडोमेट्रियम ठीक है ओके okay. हाँ तो देखो आपका इम कैसे हो रहा है पहले जोना पेलुसिडा निकलता है जोना पेलुसिडा निकलता है तो आपका ये जो एम्ब्रियो है ये यूटरस के ऊपर जाके बैठता है

तो आपका पूरा का पूरा फिटर्स यूटरस के अंदर फिट हो जाएगा ठीक है इधर देखो ये ट्रोफोब्लास्ट है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। बोलते हैं एंडोमेट्रियम के पास ब्लड वेसल है जिससे अपने सेल को खाना मिलेगा ठीक है तो देखो आपका इधर पे इम्प्लांटेशन हो गया जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा था उसी टाइम पे इनर सेल मास में भी चेंजेस हो गए तो इनर सेल मास के अंदर अपने को डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है ये डिफ्रेंसिएशन को क्या बोलते हैं लेयर फॉर्मेशन आपको इधर दो लेयर देखने को मिलती है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट एपीब्लास्ट से आगे जाके एक्टोडर्म बनता है हाइपोब्लास्ट से आगे जाके मीसोडम बनता है तो ये जो दो लेयर है सॉरी एंडोडर्म बनता है हाइपोब्लास्ट से क्या बनता है बच्चा एंडोडर्म तो ये जो दो जर्म लेयर है ये दोनों जर्म लेयर मिलके आपका बायोलैमिनार डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है और फिर एंडोडर्म से अलग अलग ऑर्गन बनेंगे एक्टोडर्म से अलग अलग ऑर्गन बनेंगे और इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर बनती है मीस्रोडम जिससे आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं तो इधर देखो गैस्ट्रोलेशन में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स वॉट हैपन्स इन गैस्ट्रोलेशन फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स तो सबसे पहले अभी इधर पे क्वेश्चन का याद रखना है सबसे पहले कौन सी जर्म लेयर बनती है The first layer which forms is the endoderm, ye wali layer endoderm. Second layer is ectoderm. inke beech beech mein ye special cells hai amnionogenic cells. ye star shaped cells. ये amnionogenic cells क्या करते हैं? Fluid secrete करते हैं, जिसकी मदद से amniotic fluid बनता है, amniotic cavity के अंदर, amniotic sac के अंदर. ठीक है? Endoderm के अंदर yolk sac रहता है. और एक्टोडर्म के अंदर आपका एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लोड रहेगा और वो फीटस को खाना देगा ठीक है सबसे लास्ट में ये आपका एपी ब्लास्ट है, आपका एपिब्लास्ट है इन दोनों के बीच में गैप रहता है तो बीच में जो गैप है ये देखो ये बीच में जो गैप है ये गैप फिल होके आपकी एक तीसरी जर्म लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं मीसोडम और ये लेयर कब बनती है? मतलब फर्स्ट डे बना, फिर second day पे हुआ, third day पे हुआ, fourth day पे हुआ, हुआ, वो आगे आगे जा रहा है, Fifth day और sixth day पे उसका इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो रहा है इधर देखो सेवेंथ डे पे इम्प्लांटेशन हो, हो गया एट्थ डे पे और इधर पे अंदर उसका सेल डिफ्रेंशन हो गया फिर जर्म फॉर्मेशन हो गया तो ऐसा करते 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 उसका जो मीसोडर्म है वो कौन से डे पे बनता है सिक्सटींथ डे पे और जब तीनों जर्म लेयर बन जाती है तो क्या देखने को मिलता है हमको तीनों जर्म लेयर बनने के बाद कि अब आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे तो अलग अलग जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं इनमें से टू टू एग्जांपल्स आपको कंपलसरी याद रखना है सो दिस इज गैस्ट्रुलेशन ये टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो सबसे इजी है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में आपको तीन चीजें याद रखनी है सबसे पहला जर्म लेयर कौन सा है सेकेंड जर्म लेयर कौन सा है थर्ड जर्म लेयर कौन सा है और कौन से डे पे कौन सा जर्म लेयर बनता है और आगे जाके कौन से जर्म लेयर से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीसोडोम से आपका ब्लड बनता है हार्ट सेल्स बनते हैं हार्ट मसल बनता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एंडोडर्म से आपके डाइजेस्टिव सेल्स बनते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो बताओ फटक से चलो जल्दी जल्दी बता दो यस द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल वेरीज फ्रॉम ट्वेल्व टू फिफ्टीन ईयर फ्रॉम मेम्ब्रेन ग्रेन्यूलोसा द सेल्स डिफ्रेंशिएट मेंुलसा से कौन से लेयर बनती है ये देखो इधर देखा था ना अपन ने ग्रेन्यूलोसा सेल्स से कौन सी लेयर बनती है क्यूमुलस ओफोरस डिस्कस प्रोलीगेरस एंड कोरोना रेडिएटा तो ग्रेन्युलोसा सेल से कौन सी लेयर बनती है

तो फर्स्ट फेज कितने दिन तक रहता है थ्री टू सेवन डेज अभी टू डेज ऑप्शन यस आपके टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ में दिया है ऑन एन एवरेज प्रोलीफरेटिव फेज मतलब सेकेंड फेज कब चालू होता है ऑन फिफ्थ डे ऑफ द मेस्ट्रॉल साइकिल ड्यूरिंग प्रोलीफरेटिव फेज विच हार्मोन इंक्रीजेज आपको फॉलिकल बनाना है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा इसके वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है द लेवल ऑफ एलएच हार्मोन रीचेज इट्स पीक ड्यूरिंग एल एच हारमोन कब बनता है ओव्यूलेशन डे पे पेटीन डे पे द सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे बड़ा फेज है कितने दिन का रहता है ये फोर्टीन डेज का विच हार्मोन इन मेटर्नल ब्लड एंड यूरिन इज इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन की वजह से हमको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है एच सी जी हॉर्मोन क्योंकि ये हार्मोन कब बनता है जब आपका फीटस जो है वो डेवलप हो जाता है सो एच सी जी हॉर्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाइडोट्रोपिन हार्मोन प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन से फेज में सबसे ज्यादा रहता है लास्ट फेज में लास्ट फेज कौन सा है सेक्रेटरी फेज तो देखो प्रेगनेंसी अभी ये दो चीजें आपको याद रखनी है एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज 266 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ उस दिन से काउंट करोगे तो 266 डेज और जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था डे वन से उस दिन से काउंट करोगे तो 280 डेज क्योंकि एग दो फोर्टीन डे पे रिलीज होता है तो अगर हम ब्लीडिंग के डे से काउंट करें तो 280 डेज और अगर हम फर्टिलाइजेशन के डे से काउंट करें तो 260 सिक्सटी डेज सिक्स डेज प्रेगनेंसी को हम साइंटिफिकली या मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं जेस्टेशन ये देखो कैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सी सच अ ब्यूटिफुल डायग्रामिटिस इसी से आपको समझ जाएगा प्रेगनेंसी तीन स्टेजेस में डिवाइड होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर देखो इधर पे फिर से देखो ये जाइवोड कैसे एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो से कैसे फीटस बन रहा है जैसे जैसे फीटस बन रहा है आपके बाकी के ऑर्गन पे प्रेशर आते जा रहा है सी इधर देखो ये फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है ये देखो जैसे जैसे फीटस बढ़ेगा वैसे वैसे मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है सी जैसे फीटस बढ़ेगा वैसे ही मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा ठीक है ओके okay. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है फीटस की मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ हो जाती है इसमें से एग्जाम में क्या आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तीन महीने स्टार्टिंग के तीन महीने में अपना फीटस कितना बड़ा हो जाता है सेवन टू टेन सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है उसकी बॉडी में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हुए हैं उसका डेवलपमेंट अब चालू होगा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो को हम फीटस बोलते हैं जब वो फीटस आठ हफ्ते पुराना हो जाता है ठीक है इट इज स्टार्टिंग में इट इज थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग उसके हाथ पैर दिमाग सब बन चुका है लेकिन सबका डेवलपमेंट होना बाकी है और स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल का बहुत ज्यादा हार्मोन साइकिल चेंज होता है जिसके वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस सुबह में उल्टी आना चक्कर आना मूड स्विंग्स होना गुस्सा आना एटसेट्रा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, में मेजर चेंजेस क्या होते हैं हॉर्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं प्रोजेस्टरॉन की जगह पे क्या बनने लग जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका एच हार्मोन कम हो जाता है एच हार्मोन कम हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम

ये देखो आपका एच सी जी हॉर्मोन ड्रॉप हो गया क्योंकि आपका प्लेसेंटा बन गया तो जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा हार्मोन का लेवल आगे रखता है ठीक है तो थर्ड है मदर के बॉडी में प्रेशर आता है उसके सारे ऑर्गन दबने लग जाते हैं आपका चाइल्ड डिलीवरी करने के लिए रेडी है ठीक है प्लेसेंटा क्या है ये देखो इधर देखो वट इज प्लेसेंटा ठीक ये देखो ये आपका प्लेसेंटा टिश्यू है ये ऐसा दिखाई देता है ये प्लेसेंटा ये मदर की वॉल से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा डुअल ऑर्गन है इसको डुअल ऑर्गन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये मदर के बॉडी से भी कनेक्टेड है और फीटस के बॉडी से भी कनेक्टेड है मदर के बॉडी से इसका ब्लड वाला पकर, पार्ट कनेक्टेड है तो ब्लड वाला पार्ट इज और फीटस के बॉडी से इसका वेसल्स वाला पार्ट कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे प्लेसेंटा को हम हीमो बोलते हैं ये देखो क्योंकि ये मदर के बॉडी से भी कनेक्टेड है और फीटस के बॉडी से भी कनेक्टेड है प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स तो ये मेन काम होता है प्लेसेंटा का प्लेसेंटा क्या करता है मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन और एंटीबॉडीज विटामिन वाटर फीटस को देता है और फीटस की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया और हॉर्मोन्स बाहर लेके जाता है वेस्ट बाहर लेके जाता है एक चीज याद रखो आपका प्लेसेंटा फीटस को डायरेक्ट ब्लड नहीं देता है सिर्फ उसमें से वो खाना ऑक्सीजन और एंटीबॉडीज देता है कौन सा एंटीबॉडी मिलता है प्लेसेंटा से आई कैसे याद रखने बोला था मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पेइंग गेस्ट पी

इधर पे क्वेश्चन क्या है कि कहाँ कहाँ से हॉर्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन फीटस कौन सा हॉर्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टाग्लामोन जिसकी मदद से कॉन्ट्रेक्शन होगा प्लेसेंटा से कौन सा हॉर्मोन बनता है प्रोजेस्टेरॉन हारमोन प्रोजेस्टेरॉन हारमोन कॉन्ट्रेक्शन को रोकता है तो ये किसी काम का नहीं है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हॉर्मोन बनता है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करता है तो ये हॉर्मोन और ये हॉर्मोन के मदद से आपका कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से चाइल्ड डिलीवरी सक्सेसफुल होती है ठीक है तो आपको ये दो चीजें पूछी जाती है फीटस कौन सा हॉर्मोन बनाता है और ग्लैंड मदर कौन सा हॉर्मोन बनाता है ठीक है तो इधर पे देखो हाँ देखो दिस ट्रिगर्स ये देखो द फुली डेवलप्ड फीटस गिव्स राइज टू एसीटीएच हार्मोन हॉर्मोन जिसकी मदद से आपका ऑक्सीटोसिन बनेगा मतलब फीटस प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और उसके वजह से मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है जो यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है प्लस यूटरस का जो माओमाइट्रेन वाला लेयर है वो भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आपका जब बच्चा बाहर आ जाता है सी जब आपका फेटस बाहर आता है तो फीटस के बाहर आने के इमिडिएटली बाद आपका कॉन्ट्रेक्शन चालू रहता है तो कॉन्ट्रेक्शन चालू रहता है उसी टाइम पे आपका जो बचा हुआ प्लेसेंटा है ये प्लेसेंटा भी अपने आप बाहर आ जाता है अगर कभी कभी प्लेसेंटा डायरेक्टली बाहर नहीं आया तो फिर हाथ डाल के डॉक्टर को खुद प्लेसेंटा बाहर निकालना पड़ता है बिकॉज दिस इज अ टेंरी एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या है ये temporary endocrine gland है। अगर ये बॉडी में रह गई तो इसके वजह से यूटरस अनहेल्दी हो सकता है कैंसर वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इज दिस क्लियर एवरीबडी ठीक है ओके okay. नेक्स्ट आता है लैक्टेशन। Lactation में क्या होता है मदर के मेमोरी प्लांट में जो मिल्क फॉर्म होता है और फिर वो अपने बच्चे को वो मिल्क देती है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन अभी इसमें आपको एक चीज क्या याद रखनी है लैक्टेशन में कि मदर का जो इतने नौ महीने का मिल्क बन के स्टोर होता है ना उस उस ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है देखो ये जो हार्मोन है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका दो फंक्शन होता है एक तो ये इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसको हम बर्थ हार्मोन क्योंकि पहले ये बच्चा पैदा करने में हेल्प करता है और बच्चा पैदा होने के बाद ये मैमरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है मैमरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ही आपका मिल्क बाहर आएगा तो इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं ठीक है थीके? अभी इतने महीने से मदर ने अपने बॉडी में जो मिल्क स्टोर करके रखा है वो मिल्क थोड़ा सा येलो हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन बहुत सारा शुगर होता है और उसमें स्पेशल एंटीबॉडीज होती है आई तो ये येल्लो कलर का जो मिल्क है इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम क्या बोलते हैं इसको हम कोलेस्ट्रोल बहुत सारे गाँव में लोगों को लगता है कि ये गंदा दूध है तो वो लोग ये फर्स्ट मिल्क को फेंक देते हैं बट ये सबसे बड़ी गलती है जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कभी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्दी मिल्क होता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती है सो so, लैक्टेशन के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है जो छोटे बच्चे को कंपलसरी पिलाना चाहिए ठीक है ओके okay. नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है इसमें क्या बोला गया है गवर्नमेंट और एनजीओ ने मिलकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसकी मदद से स्कूल स्कूल में कॉलेजेस में बच्चों को गुड और बैड हैबिट्स और गुड और बैड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है मतलब आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स कैसे क्लीन रखने चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे स्प्रेड होता है या फिर फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें बताई गई है इसमें से ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन था 2000 ईयर के टाइम पे हम 1 बिलियन तक पहुंच गए 2011 में 1.2 बिलियन एंड 2020 में हमने 1.35 पॉइंट बिलियन का भी पॉपुलेशन रेशियो क्रॉस कर दिया और अभी कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है इसीलिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स पता होना बहुत जरूरी है बर्थ कंट्रोल मेथड्स मतलब क्या होते हैं बच्चे को रोकने का मेथड प्रेग्नेंट ना होने का मेथड इट इज टू प्रिवेंट योर फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड और जिस मेथड से आप फर्टिलाइजेशन रोकते हो उस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो टाइप के होते हैं टेम्प्ररी एंड परमानेंट पहला मेथड होता है नेचुरल मेथड इसमें क्या होता है आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो ओव्यूलेशन पीरियड के सात दिन पहले या सात दिन बाद अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो आपका एग अभी तक रिलीज नहीं हुआ है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं मतलब वन वीक बिफोर एंड वन वीक आफ्टर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल सेफ पीरियड बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ठीक है एक मिनट रुको ओके okay, आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड मेथड कौन सा आता है पहला मेथड है टेम्पररी मेथड जिसमें हमने नेचुरल साइकिल वाला मेथड पढ़ा तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें वन वीक बिफोर और वन आफ्टर द मेस्ट्रल पीरियड इज कंसिडर्ड सेफ इसको सेफ पीरियड क्यों बोलते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता है ठीक है सेकेंड आता है क्वाइटस इंटरअप्टर क्वाइटस इंटरअप्ट मतलब क्या होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चालू रहता है

जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग के सिक्स मंथ्स जब फीमेल बच्चे को फीड करती है तो उनको मैंस्ट्रोल साइकिल नहीं आते हैं तो उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं लेकिन कौन से केस में जिस फीमेल को मैंस्ट्रोल साइकिल नहीं होता है कभी कभी बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी खत्म हुई और उसके दो महीने के बाद ही पीरियड्स चालू हो गए तो ऐसे केस में फिर ये मेथड भी यूजफुल नहीं रहता है अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी लेकिन अगर पीरियड्स चालू हो गए तो प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि ओव्यूलेशन चालू हो जाएगा नेक्स्ट मेथड आता है केमिकल मेथड्स इसमें फीमेल अपने वजाइना में बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स जेली और मेडिसिन लगाते हैं जिसकी मदद से स्पर्म मर जाए पर उसका उल्टा असर फीमेल की बॉडी में होता है उसके वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है कॉन्डम ये मेल्स ज्यादा करके यूज करते हैं अपना पीनेस कवर करने के लिए जिसके वजह से आ, ये जो रबर जैसा कॉन्डम है ये एक ही बार यूज कर सकते हैं तो जब ये मेल्स अपना सीमेंट रिलीज करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्पर्म कॉन्डम में स्टोर हो जाएगा ऐसा ही एक कॉमन क्वाडम फीमेल्स के लिए भी आता है जिसको हम फेमिडॉम बोलते हैं फीमेल्स ये क्वांडम अपने सर्विक्स में इंप्लांट करती हैं ताकि जब मेल इजैक्युलेट करे समझो ये फीमेल का सर्विक्स है इधर पे इसने ये फेमिडॉम लगाया है डायफ्राम लगाया है और ये रीयूजेबल होता है दिस इज़ नॉट रीयूजेबल दिस इज़ रीयूजेबल तो जब मेल अपना इजैक्यूलेशन करेगा तो उसका जो स्पर्म है वो आगे नहीं जाएगा तो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव uh, मेथड पर इंडिया में ज़्यादा फॉलो नहीं होता है ये ज़्यादा करके इंडिया में फॉलो होता है इंट्रा यूटेन डिवाइसेस क्या होते हैं अगर आपको समझो फैमिली प्लानिंग करना है एक बच्चा हो गया है अभी दूसरा बच्चा आपको चार पाँच साल तक पैदा नहीं करना है तो डॉक्टर्स की मदद से दो इंट्रा यूटरिन वो आप इम्प्लांट करवा सकते हो ठीक है एक मिनट रुको वीडियो चालू करने दो हाँ तो डॉक्टर्स की मदद से या ट्रेन नर्सेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं आईयूडीज यूडी इम्प्लांट करा सकते हैं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको ये आता है एग्जाम में ठीक है तो डॉक्टर्स की मदद से हम ये आईओडीज इम्प्लांट करा सकते हैं कैसे इम्प्लांट करा सकते हैं आ, ये जो ऐसे हार्मोन वाला या फिर कॉपर वाला जो टी रहता है ऐसा टी शेप स्ट्रक्चर इसको कॉपर टी बोलते हैं डॉक्टर्स इसको थ्रेड की मदद से अंदर भेजते हैं और फिर इसको ओपन कर देते हैं तो क्या होता है पता है इसके वजह से हार्मोन वाला आईओ क्या करता है या आपके यूटरस में ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है कि आपके बॉडी को लगेगा कि आप पहले से प्रेग्नेंट हो जिसके वजह से आपका ओव्यूलेशन होगा ही नहीं और बिना ओव्यूलेशन के आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहेगा कॉपर वाला आईडी क्या करता है ये स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देता है जिसके वजह से स्पर्म कभी एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा स्पर्म की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम उसको कैल्शियम देते हैं अगर कैल्शियम की जगह कॉपर आ गया तो ये उसका उल्टा असर दिखाता है तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है कॉपर और हॉर्मोन आयोडीज के ये आपको कंपलसरी पढ़ने हैं और एक तरीका होता है लिप स्लूप ये इंडिया में बैन हो चुका है ये क्या करता है ये फीमेल के यूटरस को एकदम अनहेल्दी बना देता है जिसके वजह से स्पर्म उसके यूटरस में पहुंच के मर जाए पर इसके वजह से फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिवाइसिस यानी ओरल पिल्स जो सहेली पिल करके एक बहुत ज्यादा फेमस है या आई पिल ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये पिल्स क्या करते हैं ये आपका ओव्यूलेशन होने से रोकते हैं तो ये पिल्स एक रेगुलर साइकिल के पीरियड में लेना चाहिए जैसे आपका जो सहेली पिल होता है ये फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल पिल है ये सेम बाकी पिल्स के के पिल्स जैसा ही काम करता है बस ये येड नहीं है तो इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं और ये इंडिया का ब्रांड है ठीक है लखनऊ के लैब में बनाया गया है सी डी आर आई में तो ये पिल्स क्या करते हैं ये पिल्स आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से स्पर्म को लगेगा कि ये बॉडी पहले से प्रेग्नेंट है तो आपका एग उस स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मतलब आपका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये सहेली पिल जो है ये पूरे महीने में टोटल ट्वेंटी जाती है फिर जब पीरियड्स आते हैं तो फिर से ये पिल स्टॉप कर दिया जाता है तो इसका एक डॉक्टर से बात करके रिकमेंडेशन करके आपको ये पिल्स पिल कंटिन्यूटी में लेना पड़ता है कभी भी ले लोगे तो फिर प्रेगनेंसी रुकेगी ऐसा नहीं है आपका पीरियड्स का कौन सा डे चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये पिल काम करेगा कि नहीं करेगा ठीक है ओके आगे क्या आता है नेक्स्ट परमानेंट मेथड परमानेंट मेथड दो टाइप का होता है एक होता है ट्यूबेक्टोमी एक होता है वेसेक्टोमी वेसेक्टोमी ये vasectomy है इसमें हम क्या करते हैं मेल्स का वास डिफरेंस कट करके उसको टाई कर देते हैं तो इसकी मदद से क्या होगा इधर से जो भी स्पर्म आगे जाने वाला था स्पर्म आगे नहीं जाएगा अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनका वास डिफरेंस कट कर दिया तो उनकी नसबंदी बोलते हैं इसको तो उनकी मर्दानगी कम हो जाएगी ना तो इससे सेक्सुअल प्लेजर में फर्क पड़ेगा ना उनकी मर्दानगी कम होगी क्योंकि आपके वास डिफरेंस से सिर्फ स्पर्म आने वाला था बाकी आपका जो भी प्लेजर वाला फ्लूड है वो तो इधर ही बन रहा है ना तो वो तो इधर से कंटिन्यू रिलीज होते ही रहेगा आपके सीमेंट में सिर्फ स्पर्म नहीं रहेगा बाकी तो सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा तो इससे कुछ मर्दानगी वरदानगी कम नहीं होती है ये खाली आपके स्पर्म को आगे नहीं जाने देता जिसकी वजह से आप परमानेंटली प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे अपने वाइफ को नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है इसमें फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं ट्यूब ऐसे याद रख सकते हो वास वास ट्यूब ट्यूब फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे फीमेल ने अगर ऑपरेशन करा लिया तो उसको पीरियड्स नहीं आएंगे अरे ऐसा मारूँ ही पीरियड्स किधर से आते हैं पीरियड्स आपके एंडोमेट्रियम से आते हैं अगर आप फेलोपियन ट्यूब को कट कर दोगे तो आपका जो एग है ये एग सिर्फ आगे नहीं जा पाएगा ये एग इधर पे ही मर जाएगा और इधर से डिजोल्व होकर फिर से ओवरी में आ जाएगा और ओवरी में ही उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा स्ट्रोमा में मिक्स हो जाएगा सिर्फ ये एग आगे नहीं जा पाएगा ये आपका जो स्पर्म है ये स्पर्म आगे नहीं आ पाएगा इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है फिर ट्यूबेटोमी कराने से पीरियड्स स्टॉप नहीं होंगे क्योंकि पीरियड्स कब होते हैं जब आपका एंडोमेट्रियम का लेयर निकलता है तो ट्यूबेटोमी कराने की वजह से पीरियड स्टॉप नहीं होते हैं और ना ही सेक्सुअल प्लेजर में फर्क पड़ता है सिर्फ स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है इज दिस क्लियर एवरीबडी ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेप के केसेस में या अनवांटेड चाइल्ड के केस में या फिर अगर बच्चा हेल्दी नहीं है या मदर के जान को खतरा है तो ऐसे केसेस में आप लीगली अबॉर्शन करा सकते हो लीगल अबॉर्शन को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन क्या बोलते हैं उसको हम एक मिनट लीगल अबॉर्शन को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये सिर्फ फर्स्ट प्राइमिस्टर के टाइम पे ही सेफ रहता है और ये कब किया जाता है अगर आपका फीटस का डेवलपमेंट डिफेक्टिव है और ये चेक करने के लिए एक टेक्निक होता है एमनियो सिंटेसिस टेक्निक क्या होता है ये देखो इसमें आप क्या करते हो फीटस का जो ब्लड है अल्ट्रासाउंड करके फीटस का ब्लड कलेक्ट करते हो उसका फ्लूड कलेक्ट करते हो नीडल में और उस फ्लूड को सेंट्रीफ्यूज करके उसके सेल्स को स्टडी करते हो आप ये क्रोमोजोमल स्टडी करते हो कि इस बच्चे को आगे जाके कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होने वाली है अगर इस बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है तो उसको पैदा करने से पहले उसको अबॉर्ट कर देते हैं बहुत सारे पेरेंट्स क्योंकि ये बच्चा पैदा होने के बाद अगर दो साल भी जिंदा नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा तो इससे अच्छा उसको पहले ही अबॉर्ट कर दो ये टेक्निक इंडिया में बैन है क्यों क्योंकि लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं ये टेक्निक सिर्फ फर्स्ट मंथ में ही की जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होएगा पता चल जाएगा कौन सा क्रोमोसोम्स है तो इंडिया में ये टेक्निक बैन है लेकिन बाहर ये टेक्निक यूज की जाती है बच्चों की हेल्थ जानने के लिए स्पेशली सरोगेसी के केस में ठीक है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी वाज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ठीक है ये इयर्स आपको याद रखने हैं इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं क्या आप प्रेग आप अबॉर्शन कब कर सकते हो अगर आपका आ, रेप केस में आप प्रेग्नेंट हो गए या फिर आपका बच्चा हेल्दी नहीं है या फिर आप आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो दैट केस में यू कैन डू अबॉर्शन अबॉर्शन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं आप कर सकते हो ये सिर्फ स्टार्टिंग के ट्वेल्व वीक्स में अगर आप स्टार्टिंग के ट्वेल्व वीक्स में अबॉर्शन कर रहे हो तो आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की साइन लगती है अगर आप ट्वेल्व वीक्स से ज्यादा हो गया है और उसके बाद आप अबॉर्शन कर रहे हो तो आपको दो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की साइन लगेगी परमिशन लगेगी और ट्वेल्व वीक्स के बाद पांचवें महीने तक अबॉर्शन कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है मदर के हेल्थ के लिए ठीक है और तीसरी बात अबॉर्शन करने के लिए फैमिली के किसी भी इंसान की परमिशन जरूरत नहीं होती है सिर्फ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी परमिशन कंपलसरी होती है सो दीज थ्री रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग मेडिकल टर्मिनेशन ये वर्ड याद रखो एम टी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट ठीक है ओके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नेक्स्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दो टाइप का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है सिफिलिस और गोनोरिया इसका आपको पॉजिटिव एजेंट कंपलसरी याद रखना है सिफिलिस होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम के वजह से और कोनोरिया होता है नाइसेरिया के वजह से ये ज्यादा करके आपके जेनाइटल ऑर्गन में स्प्रेड होता है ये आपके यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन में स्प्रेड होता है और आई और थ्रोट इन्फेक्शन भी कॉज करता है इसमें आपको चैंकर देखने को मिलता है इसमें आपको लीजन फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं ये देखो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मुंह में ऐसे बाहर छाले हो जाते हैं और ये आई इन्फेक्शन आपको गोनोरिया के केस में देखने को मिलता है इसको ट्रीट करने के लिए हम अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो इसमें से आपको सिर्फ दो चीजें याद करनी है कौन से बैक्टीरिया के वजह से होता है और इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं ठीक है बेटा एग डिस्ट्रॉय हो या ना हो जब एग निकलता है आपके ओव्यूलेशन पीरियड में जब एग रिलीज होता है इधर देखो एंडोमेट्रियम का थिकनेस किससे रिलेटेड है आपके ओव्यूलेशन से रिलेटेड है और ओव्यूलेशन अगर नहीं भी हुआ इधर गया इधर देखो आपका इधर पे हाँ ये वाला देखो आपका ओव्यूलेशन नहीं भी हुआ तो भी आपके एल एच हॉर्मोन की मदद से आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ऑटोमेटिकली इधर पे पतला हुआ था इधर ऑटोमेटिकली उसका थिकनेस होना चालू हो जाता है तो आपका एग भले ही बाहर नहीं आया है आपका एग रिलीज नहीं हुआ पर इधर पे तो एग फॉर्म हुआ ना एग फॉर्म हुआ मतलब आपके ब्रेन में एल एच हार्मो बना है मतलब ऑटोमेटिकली आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है ग्राफियन फॉलिकल से एग निकल के इधर ही रह जाएगा ओवरी में ही रह जाएगा या ओवरी से निकल के इधर तक आएगा तो अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा जिसकी वजह से आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस चालू रहेगा समझ में आ रही है बात हाँ बोल लेक्चर में है अभी थोड़े टाइम बाद जाय ठीक है ठीक हाँ हाँ है तो इस तरीके से आपका ट्यूबेक्टोमी करने के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहता है ठीक है चलो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के दो चीज़ें याद रखनी है कौन से बैक्टीरिया के वजह से होता है और उसको ट्रीट कैसे करते हैं इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी रीज़न के वजह से मेल या फीमेल के गैमेट्स आर नॉट फर्टाइल इनफ टू डू फर्टिलाइजेशन और ये बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है मेंटल स्ट्रेस पीसीओएस पीसीओडी मल्टीपल ओवरी फॉर्म हो रहा है सिस्ट फॉर्म हो रहा है ओवीलेशन नहीं हो रहा है बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लो स्पर्म काउंट स्मॉल साइज तो 1978 के पहले क्या होता था दो ही ऑप्शन रहते थे पेरेंट्स के पास या तो अडॉप्शन करो या तो बिना बच्चे के रहो लेकिन अभी के टाइम पे अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये वर्ड आर्ट ये एच के लिए भी यूज होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तो थे वाला आर्ट अलग है और ये वाला आर्ट अलग है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजीज है जैसे आईवीएफ आई वी में हम क्या करते हैं एग फीमेल का एग कलेक्ट करते हैं मेल का स्पर्म कलेक्ट करते हैं उसको ट्यूब में फर्टिलाइज करके और फिर उसको वापस से फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लैब में बेबी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो नेक्स्ट आता है जिफ्ट जयगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसमें आपको फुल फॉर्म्स याद रखना है फुल फॉर्म्स में हम मतलब जयगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं आपके फीमेल का अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है देखो इफ देर इज अ ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब तो आपका स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा ब्लॉकेज तो आपका स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा तो हम एग को बाहर कलेक्ट करते हैं, में, इसमें स्पर्म को करते हैं इसको फ्यूज करके जायोड बनाते हैं और ये जायोड को फिर वापस से इस साइड लाके रख देते हैं और फिर ये आगे नॉर्मल ग्रो होता है तो, तो दैट इज ठीक है नेक्स्ट आता है गिफ्ट गिफ्ट मतलब क्या होता है सरोगेसी इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं अगर आपका फेलोपियन ट्यूब प्रॉपर नहीं है या आपका यूटरस का environment अच्छा नहीं है जैसे शिल्पा शेट्टी ने किया है शाहरुख खान की वाइफ ने किया है अगर आपका यूटरस हेल्दी नहीं है तो आप किसी दूसरी फीमेल के यूटरस में अपना जायगोट रख सकते हो तो उससे वो बच्चा आपका ही रहेगा सिर्फ वो किसी और के यूटरस में ग्रो होगा तो एक फीमेल दूसरे फीमेल के बच्चे को अपने पेट में पाल के उसको ये एक टाइप का गिफ्ट देती है इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम गिफ्ट रखा है गैमेट इंड्राफ एलोपियन ट्रांसफर यानी कि मेल का स्पर्म लिया फीमेल का एग लिया दोनों को लैब में फ्यूज किया जायोग बनाया एम्ब्रियो बनाया और फिर उसको किसी तीसरे फीमेल के यूट्रस में डाल दिया तो अब उसके फीमेल के यूट्रस में सिर्फ बॉडी में वो जायगोड बड़ा होगा उसमें उसके कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं आएंगे सरोगेट मदर के सिर्फ उसको एनवायरमेंट मिलेगा ग्रो होने के लिए दैट इज सरोगेसी ठीक है नेक्स्ट आता है इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हम सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म लेते हैं और फीमेल के एग में डाल देते हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म लेते हैं दिस इज लाइक आई बट इसमें एक ही स्पर्म होता है आई में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन में एक ही डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं इसमें हम स्पर्म को कलेक्ट करके उसको फीमेल के सर्विक्स में डालते हैं मतलब समझो आपने स्पर्म कलेक्ट किया और फीमेल के सर्विक्स में डाला पर आपको भी पता है कि फीमेल के सर्विक्स एसिडिक होती है तो अगर इधर पे स्पर्म मर गए तो अपना मेहनत बर्बाद हो जाएगा इसीलिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या करोगे आई यू आई करे आई यू आई सेम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जैसे होता है बस इसमें फर्क क्या होता है हम स्पर्म्स को कलेक्ट करके उसको डायरेक्ट यूटरस में डालते हैं हम इधर पे डायरेक्ट स्पर्म को डालते हैं सो दिस इज दिस टेक्नोलॉजी इज

बाद में आप ये यूज़ कर सकते हो जो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं अडोप्शन के लिए भी तीन रूल्स होते हैं जो पेरेंट है वो मेडिकली फिट होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे का ध्यान रख सके फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए और जो अडॉप्ट करने वाला है उसकी उम्र ट्वेंटी वन ईयर्स होनी चाहिए तो ये तीन रूल्स फॉलो करेंगे तो आप अडोप्टेशन कर सकते हो ठीक है चलो फटाफट से आंसर दे दो ट्यूबेक्टोमी को जिफ्ट से काउंटर कर सकते हैं अरे प्रेगनेंसी रोकने के लिए होता है तुमको उसमें जिफ्ट क्यों करना है 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 आप जिफ्ट में क्या होता है? होता ब्लॉकेज ब्लॉकेज पर वो अगर कभी खुल गया तो फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगे ट्यूबेक्टोमी में प्रेग्नेंट होने का चांस ही नहीं क्योंकि आपने फेलोपियन ट्यूब सीधा कट कर दिया है तो समझने के लिए आप ऐसे रिलेशन में रख सकते हो उधर भी ब्लॉकेज है इधर भी ब्लॉकेज है बट वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है चलो नेक्स्ट

ठीक है ये लेक्चर मैं मंडे को आफ्टरनून में लेने वाली हूँ कल कोई लेक्चर नहीं है तो आप अपना कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर का सोलह कर दिया है अब ये थर्ड चैप्टर करेंगे फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी टाइम टेबल दिया हुआ है वो टाइम टेबल फॉलो करना है ठीक है और एनसीआरटी वाली जो चैनल है इस पे हम नीट के पी पोल्स देते हैं तो अगर आपने एनसीआरटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज एम एस टी सी टी के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज आने वाला है तो मंडे या ट्यूजडे को मैं लाइव आऊंगी एमएसटी सी टी का सरप्राइज अनाउंस करने के लिए तब तक आप ऐप डाउनलोड करके रखो और ये नोट्स आप ऐप से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल सेक्शन से ठीक है चलो आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी अगर हेल्प मिली है तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन आई विल सी यू ऑन मंडे बाय बाय एवरीबॉडी मंडे का आफ्टरनून टाइमिंग होगा ठीक है चलो बाय